आदरणीय अशोक जी मंथन साहब से मेरा आग्रह कि आप कृपया माइक संभालें। आज रे अणि कार्यक्रम में पधारा था का आज अणि कार्यक्रम में जाना रो सारा सा स्वानिध्य आपने खास पामना आदरणीय सारंग देवा साहब भी पधार चुका है। मैं निवेदन है कि वणा ने आप लेने पधारे तो आप अपनी कार्यक्रम ने आरंभ करा। सारंग देवा साहब पधार गया है, मैं वणा ने अनुरोध करूं कि भी कृपया माने आज रा मुख्य अतिथि जो क्रम की अध्यक्षता वास्ते अध्यक्ष जो आसन है वो ग्रहण करें। धन्यवाद। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर रे सानिध्य में मणारे साझा कार्यक्रम में मणारे सहयोगियों कार्यक्रम में रियो है और युगधारा ने अकादमी रो घणो सहयोग मिलते रियो है। मैं बहुत आदर सम्मान रे ला रहे अनुरोध करूँ डॉक्टर बसंत सिंह जी सोलंकी साहब ने कभी पधारे और मंच पे अपनो स्थान ग्रहण करें। आदरणीय बसंत सिंह जी सोलंकी साहब ये गणा युगधारा अपना राजस्थान साहित्य अकादमी रा कर्मठ सचिव है और आप रे सानिधि में भी राजस्थान साहित्य अकादमी आगे आगे भिंग पुरस्कार रे संयोजक डॉक्टर दिलीप भिंग साहब ने भी पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें मंच पे। हाँ बहुत और जिस तरह मैं बतायो माना युगधारा रा पूर्व अध्यक्ष गणा कर्मठ गणा नवाचार करवा वाला और युगधारा ने वणा एक नई ऊंचाई दी और मणारे मार्गदर्शन पे माण युगधारा ने और आगे तक आगे ले गया। ये मणारे आशीर्वाद ईस्वी हो और बहुत बढ़िया बात ही मणारे परिवार में ने मणारे सुपुत्र अनिल मेहता साहब मणा यो अपनो रुझान अपनो यो अनुरोध की दो कि युगधारा मणारे पिताजी रो युगधारा पूर्व अध्यक्ष नाम एक सम्मान पुरस्कार समारोह शुरू करे तो अणी मैंने आज रणी कार्यक्रम में मणारे द्वारा भी एक पुरस्कार सम्मान पुरस्कार दियो जाएगा। तो मैं अनिल मेहता जी ने अनुरोध करूं कि भी पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अनिल गण गुण मान गण गुण सम्मान सभी माना मोतबीर हेतालु साहित्यकार मेहता और दीन परिवार रे सब अनुरोध करूंगा कि सरस्वती चित्र माते मंचासीन अतिथि माल्यार्पण भी करें और दीवो जोई ने अपना सम्मान पर मैं आज जी सम्मानित हुए वाला माना खास साहित्यकार है माना सब ने अनुरोध करूं। या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रवृत्ति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या पहा निःशेष जाड्या पहा अक्षर सृजन धारा अंकित हो समय की ये धारा अक्षर सृजन धारा अंकित हो समय की ये धारा मूल्यों का उजियारा बहे पावन ये गंगा की धारा युग युग में बहती ये वो धारा युग युग में बहती ये वो धारा यही धारा युग धारा युग धारा यही युग धारा युग धारा युग धारा अक्षर सृजन धारा अंकित हो समय की ये धारा शब्दों की ये साधना भावों की आराधना लय में विलय बांधना वाणी की अभ्यर्थना ये तो वंचित मनों का है उजियारा ये तो वंचित मनों का है उजियारा यही युग धारा युग धारा अक्षर सृजन धारा
अंकित हो समय की ये धारा, सांसों की सरगम बने बांधे समय ताल में, अर्पित मधुर भावना खुश हो हम हर हाल में, यही जीतेगा विश्वास जो हारा, यही जीतेगा विश्वास जो हारा, यही युग धारा युग धारा युग धारा, अक्षर सृजन धारा, अंकित हो समय की ये धारा, साहित्य की सारथी शाश्वत की ये आरती, सच्चा से जन सार दे आशीष माँ भारती, यही उज्जवल बनेगा वो अंधियारा, यही उज्जवल बनेगा वो अंधियारा, यही युग धारा युग धारा युग धारा, अक्षर सृजन धारा, अंकित हो समय की ये धारा, घुट घुट में घुटती नहीं, भेदों में बटती नहीं, संवेदना बोलती मूल्यों से हटती नहीं, सभी धर्मों की वाणी ये रस धारा, सभी धर्मों की वाणी ये रस धारा, यही युग धारा युग धारा युग धारा, अक्षर सृजन धारा, अंकित हो समय की ये धारा, अंकित हो समय की ये धारा, अंकित हो समय की ये धारा, धन्यवाद। युगधारा संस्था की जो हमारे युगधारा के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर ज्योति पुंज जी द्वारा रचा गया है और आपके सामने प्रस्तुत हुआ, अपने आप में बहुत ही अलग ही भावों से भरा हुआ ये गीत है, जैसा आपको लगा ही होगा। जी हाँ, अब मैं चूंकि मंच भी सज गया है, सरस्वती पे दीवा भी जुप गया है, अब मैं मंचासीन अतिथियों के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, सबसे पहले डॉक्टर कर्नल शिव सिंह सारंगदेवा साहब के सम्मान के लिए दीन परिवार से पधारें, आपका माला शॉल पगड़ी और साहित्य से सम्मान होगा। आदरणीय सुरेश जी धींग साहब और अतुल जी शाह धींग, उनसे अनुरोध करूंगा कि पधारें और युगधारा की ओर से मैं साहित्य वास्ते मैं किरण जी ने अनुरोध करूंगा कि आप प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह जी सारंगदेव साहब रहे साहित्य भेंट करें। युगधारा अध्यक्ष किरण बालाजी रे सम्मान वास्ते दीन परिवार रे मैं आमंत्रित करूं कि भी पधारे, दीन परिवार हूं और किरण जी रो सम्मान करें। अठिने मैं अनिल जी ने भी अनुरोध करूंगा कि भी पधारें। हाँ, रेनू जी आए, दीन परिवार से तालियां केड़ो नहीं पड़े, वो कह रहे कि तालियां बजाओगे तो फायदो आप रो ही है और फायदो तो यह है कि ऊर्जा में। हाँ हाँ, बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत आदर और सम्मान करें देव कोठारी साहब, डॉक्टर देव कोठारी साहब रो आ सारस्वत सानिध्य मानो माने मिलियो हैं, आप रो आशीमार और सम्मान है। अब मैं राजस्थान साहित्य अकादमी बसंत सिंह अभी मैं श्री भवदत्त मेहता स्मृति युगधारा चौबीस
मणियनी समारोह में स्वागत उद्बोधन वास्ते मैं युगधारा रा उपाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी तातेड़ साहब ने अनुरोध करूं कि वे पधारे और अतिथियारो मंचासीन अतिथियारो और आप सब पधारा थे करो स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन करें। आदरणीय कार्यक्रम में मंच पर आसीन मूंगा पामना आदरणीय सारंग देवोत साहब कुलपति राजस्थान जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय उदयपुर और आजरा खास पामना डॉक्टर देव कोठारी साहब जो वरिष्ठ साहित्यकार और इतिहासकार तो है ही, अंडर अलावा आप राजस्थान भाषा राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रा पूर्व अध्यक्ष विवा थका भी अटे अपन मेवाड़ रा सपूत है। आप दोनों में बहुत बहुत योगदान रही और स्वागत करूं। हाजिर यानी कार्यक्रम ने जो कि एक सालाना जलसो है वैशांत तो अपने युगधारा और भी कार्यक्रम नियमित हर महीने और अलग अलग मौका पे करती रहे पर यो एक कार्यक्रम ऐसा है जिन्हें कि दिलीप जी धींग पिछला कतराई सालों लगातार कर रहा है। आज यो दो सालारो पुरस्कार एक लारे दियो जेरो है। इनके अलावा एक और नयो पुरस्कार इबके माने ऊर्जावान अध्यक्ष किरण जीरी पहलू शुरू भी है और वो अपने उदयपुर में परिधान नाम रो बापू बाजार में जो प्रतिष्ठान है वो बौद्ध जी मेहता साहब रो शुरू कितो लोगो हो परिधान एक हो परिधान और मनारे सुपुत्र श्री अनिल जी मेहता भी पधारिया है। मणारो दिलीप जी धींग साहब रो और मणारे परिवार रा जो भी सदस्य अटे मौजूद है मणारो में सबरो अटूँ युगधारारी और मारी और हार्दिक स्वागत करूँ। अनि सब्र वच में जटे आप सब बैठा लगा हाँ वह संस्था है राजस्थान री एकमात्र संस्था राजस्थान साहित्य अकादमी पूरा राजस्थान रो हिंदी रो साहित्य रो कामकाज जटूँ वे वह संस्था रो भाग्य सौभाग्य उदयपुर ने मिलियो और वह संस्था जटे आप सब आज बैठे हाँ और भी बच्चे बच्चे नरीदान आता रहे वहाँ और अटारा कार्यक्रम हूँ अवगत हाँ बटे बणु अध्यक्ष महोदय तो यदि सरकार छाए यदि आई पर आप जाना कि सचिव ही हमारा अपने सभी तरह क्योंकि अध्यक्ष नवा आए तो ही बनाने भी सचिव ही सब कुछ बतावे कि भाई कि माने अटे यो काम करनो अनिदान यो करनो तो जो समूह जो जानकार है पुराना है और अनि सब रीति नीति ने चलाओ वाला है वे श्री बसंत सिंह जी साहब रोबी में अनि संस्था रही और अनि परिसर में अनि प्रांगण में हार्दिक स्वागत करूं। आप सब लोग जो दूर दूर हूँ अपने अनि साहित्य रे खातिर और अनि पुरस्कार समारोह के खातिर पधारिया टेम दीदो और पूरो अनि मैंने आप रुचि लेन भाग ले रहा हो अंडा लिए आप सब भी धन्यवाद और बधाई रा पात्र हो। मैं आप रो भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करूं सभी मंचों से अतिथियों का हमारे अध्यक्ष महोदय सहित सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका सबका भी एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। कुछ मेवाड़ी बोलने में अभ्यास कम है कुछ दिक्कत हुई हो आपको तो उसके लिए क्षमा याचना धन्यवाद। गण गुण मान माना युगधारा उपाध्यक्ष प्रकाश जी तातेड़ साहब गणा ऊर्जावान है और सदा मणिया भी रहे विज्ञान समिति रो आप गणों हाउ काम संभाल रहा कई पत्रिकारों बाल पत्रिकारों आप संपादन करे से अभी मायो सम्मान समारोह प्रारंभ करा। सबू पहला
श्री कन्हैयालाल धींग राजस्थानी पुरस्कार 2023 वास्ते आज युगधारारा पूर्व महासचिव राजस्थानी भाषा में गणों काम की तो आप परिचय वास्ते मैं लोकेश चौबीसा साहब मैं आमंत्रित करूं कि वे पधारे और तरुण जी रो मनारी उपलब्धि और मनार परिचय अति माचे। श्रीमान दादी साहब रो लेखक परिचय वास्ते निर्देशित क्यों है मुहर्ज करूं। श्रीमान तरुण कुमार दाजिच सनोप उमा शंकर जी दाजिच को जन्म 14 जून 1954 में भी आप एमए हिंदी में स्वर्ण पदक को पास की दी और बचे बाद में बीएड की दी। आप वर्तमान में सर्वित विलास उदयपुर में रह रहे हैं। आप शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुआ और अबार लेखन कार्य में संलग्न। आपको विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से विभिन्न प्रकार के उल्लेखनीय योगदान के लिए समय समय पर विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपको वर्ष 2013 में श्रेष्ठ साहित्य सृजन हेतु सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में द्वारकेश राष्ट्रीय साहित्य परिषद राजसमंद द्वारा राष्ट्रभाषा गौरव से सम्मानित किया गया। वर्ष 2016 में रघु की चतुराई कृति पर पंडित हरनारायण पाठक स्मृति बाल साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2016 में बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र भोपाल द्वारा बाल साहित्यकार के रूप में सम्मान किया गया। वर्ष 2017 में 14वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में सृजन श्री सम्मान से प्रदान किया गया। वर्ष 2020 में निर्मला स्मृति संस्थान द्वारा साहित्य रत्न सम्मान प्रदान किया गया। आपको वर्ष 2009 में राज्य स्तर के श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में पुरस्कृत किया गया। आपकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है और निरंतर हो भी रही है। आप आकाशवाणी उदयपुर से विविध विषयों पर हिंदी वार्ता प्रसारित हो चुकी। आप श्रीमान प्रकाशन अधिकारी डाइक नाथ द्वारा राजसमंद के पद पर रहकर अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन सफलतापूर्वक किया। आप श्रीमान की पुस्तक सूर के सरोकार मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के एमए हिंदी स्नोत्कर पंचम सत्र में पाठ्य के रूप में ग्रंथ के रूप में स्वीकृत है। श्रीमान तरुणकुमार दाजिच आप विभिन्न साहित्य विधाओं के धनी साहित्यकार हैं। आपने लेखक के रूप में कई कहानियां, बाल साहित्य आलोचना निबंध नाटक कविता पटकथा खंड काव्य पर 2003 से लेकर अब तक कुल 22 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी आलोचना विषय पर सूर के सरोकार सुसराल सुख की खान आपके बाल कथा विधा पर माइंग की दोस्ती सच्ची मित्रता अच्छी बुराई अनूठी जीत रघु की चतुराई 56 रोटियां तथा नाव के पीछे क्यों गई बाल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपके निबंध विषयों पर सृजन के आयाम और साहित्य के नारी के 16 श्रृंगार भी प्रकाशित हुए। राजस्थानी भाषा में अनबोली टीस सोनारी बीटी उड़वा वालों गुब्बारों प्रकाशित हो चुके हैं। आपरा नाट्य पथा विषय पर कल इनका है सिमटते दायरे प्रकाशित हो चुके हैं। खंड विधा कार्य में मौन स्पंदन महिषी पन्ना कालजारी पन्ना 2020 प्रसारित भी सीख हुए। इसके अलावा आपकी विभिन्न विधाओं में दिनों की कविता मैं मंकू की कहानी अभिव्यक्ति कविता संग्रह और कहानी संग्रह 2023 में प्रकाशित हो चुका है। वर्तमान में 3 पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं दिन की सपना दिनकर का सपना तेरा मेरा नाटक और पह उपन्यास। युगधारा की ओर से श्रीमान तरुण कुमार दाजी जी का परिचय पठन करने के लिए सौभाग्य प्रदान किया उसके लिए मैं सादर आभार। धन्यवाद लोकेश जी। तो ऐसा है माने तरुण जी दादी साहब माना बच्चा ने तो घणो भणायो और भड़ा भी ऐसा बच्चा एक एक जोरदार निकलिया है और आप रे बड़ी खुशी है माने आपका समारोह समिति तरफ हूँ कि माने तरुण दादी साहब रो
कन्हैयालाल धींग पुरस्कार 2023 वास्ते नामित हुआ और आज अटें आनी अकादमी रे सभागार में मावाणा रो सम्मान करूँ। मैं बहुत आदर और सम्मान ला रहे आमंत्रित करूँ आदरणीय तरुण जी दादी साहब पधारे अच्छे और माला शॉल और पगड़ी वास्ते मैं आमंत्रित करूँगा तरुण जी यहाँ जी आए पंचम मेहता जी धन्ना काका सा और मंचा सिंह अतिथि भी व खास जो है हमारा स्मृति चिन्ह हाँ आर एल धींग साहब अभी भी पधारे सब पहला माला हूँ हाँ आर एल धींग साहब माला धन्ना काक साहब पधार गया नहीं धन्ना काक साहब पंचम मेहता जी पंचम नहीं नवनीत जी गौरव जी है पधारिया गौरव जी सोनी वो बात जपमाला नौकार जपमाला और स्मृति चिन्ह वास्ते मैं आज रामाणा खास जो पामणा है जाना रो सानिध्य माने मिलो बहुत अब 5100 रुपये की नगद राशि कन्हैयालाल धींग राजस्थानी पुरुष मंच पर विराजित सभी अतिथियों को प्रणाम और इस सभागार में विराजे हुए सभी सुधीजनों को प्रणाम। आज ऐसे दंपत्ति का परिचय पढ़ने के लिए मुझे कहा गया है कि जो हमारे लिए प्रेरणा सानिध्य जिनका बना रहता है और जिनकी कविताओं को सुनकर ही हमने सीखा है। आदरणीय श्रेणीदान जी चारण सर ये राजस्थानी और हिंदी के कवि हैं गीतकार हैं देश के विभिन्न स्थानों पर काव्य मंचों पर इन्होंने काव्य पाठ किया है। आप 1982 से निरंतर कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ कर रहे हैं आकाशवाणी दूरदर्शन पर भी काव्य पाठ किया है लॉयंस क्लब उदयपुर और राज्य जनार्दन राय नागर विद्यापीठ से भी सम्मानित हो चुके हैं और इनके राजस्थानी कहानी संग्रह सेठ री छड़ी प्रकाशित हो चुका है और एक गीत संग्रह अभी प्रकाशनाधीन है। आपका सम्मान करते हुए धींग परिवार और युगधारा परिवार अति गौरवान्वित है। साथ ही आदरणीय विजय लक्ष्मी देथा जी ये भी हिंदी और राजस्थानी की कवित्री हैं गीतकार हैं आकाशवाणी पर निरंतर काव्य गोष्ठियों में काव्य पाठ किया है। प्रसार भारती उदयपुर द्वारा गठित समिति की 5 वर्ष के लिए सदस्य रही हैं और आपके 2 गीत संकलन प्रकाशित हुए हैं अंकित उजाला और फिर फूले पलास। आप निरंतर अभी भी लेखन कार्य में और काव्य पाठ करने में अनवरत अपना कार्य कर रही हैं। आपको आप दोनों को सम्मानित करते हुए धींग परिवार और युगधारा परिवार अति गौरवान्वित है। आदरणीय श्रेणीदान जी चारण सर और आदरणीय विजय लक्ष्मी देता जी आप मंच पर पधारें। धन्यवाद डॉक्टर सिमी जी। मैं अनुरोध करूं आदरणीय श्रेणीदान जी चारण साहब ने और श्री जे के दवे साहब एडवोकेट साहब भी पधारे माला शॉल पगड़ी और साहित्य और जप माला व नवकार वास्ते सीमा जी भेंट करेगा कि गवरी घूमर मान है काल बेलिया ख्याल और पाबू जीरी पड़चरी और चक्री तेरा ताल यमना राजस्थान रा लोकगीत न लोक हाँ बोलो बोलो नाम लिख लो हाँ बोलो हाँ जी युगधारा परिवार ही और समारोह समिति और
श्री सैनीदान जी चारण साहब ना विजय लक्ष्मी जी देथा जी रो बहुत बहुत सम्मान मान और गणी गणी बधाई आपने। अबे मैं अगला सम्मान वास्ते आमंत्रित करूं श्रीमती उमराव देवी धींग साहित्योदय पुरस्कार 2023 वास्ते नामित विहार श्री अलंकार जी अच्छा साहब आप चेन्नई बिराजे हैं पर आज कणी कारण भी पधार नहीं पाया अठे तुम्हारा सम्मान जो है वो पुरस्कार अठू पहुँचे दिया जाएगा। और परमाणा परिचय वास्ते मैं आमंत्रित करूं श्री सुनीता सिंह जी ने के पधारे और श्री अलंकार आच्छा जी रो परिचय अठे देवे। सम्मानित मंच और सदन में उपस्थित सभी को सादर नमन प्रणाम करती हूँ और मुझे आदेश हुआ है आदरणीय अलंकार आच्छा जी का परिचय पढ़ने के लिए। वर्तमान में आप चेन्नई में व्यवसायरत एवं साहित्य सेवा में संलग्न हैं। आपका जन्म ब्यावर राजस्थान में बड़ाखेड़ा में हुआ है। स्नातक की उपाधि आपने प्राप्त की हुई है। हाइकू गज़ल गीत छंद मुक्त कविताएं, दोहे गद्य विधा में आप अपनी लेखनी का काम बखूबी कर रहे हैं। 21 वर्ष की अवस्था से 3 वर्ष तक लगातार तमिलनाडु तेरा पंथ बुलेटिन मासिक के मादक संपादन के रूप में आपने काम किया हुआ है। बुलेटिन के प्रकाशन में लगभग 15 वर्षों तक सक्रिय सहयोग एवं निर्णायक की भूमिका अदा की है। जैन तेरा पंथ के मुखपत्र और देश भर के लगभग 60,000 परिवारों से संप्रेषित अखिल भारतीय तेरा पंथ टाइम्स के 2 वर्ष तक संपादक के रूप में आपने सक्रिय अपनी सेवाएं दी हुई हैं। अनुवाद समिति द्वारा आयोजित एवं अन्य कवि सम्मेलनों में संचालन संयोजक एवं काव्य पाठ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जैन साहित्य संगम अनुभूति अनुवाद समिति और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच आदि अनेक संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नियमित आपका काव्य पाठ किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 11,000 हाइकुकारों के लगभग 6,900 हाइकुओं से सुसज्जित प्रतिष्ठित पुस्तक विश्व हिंदी हाइकु कोश में आपकी 25 हाइकु चयनित और प्रकाशित हो चुकी हैं। द अंडरलाइन इरा हाइकु मंजूषा हाइकु दर्पण हाइकु माला हाइकु संसार हाइकु सागर जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। रक्तदान शिविरों के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाई है। चेन्नई में 2012 एवं 2014 में संपादकीय दायित्व के साथ साथ अध्यक्ष रहते हुए रक्त संग्रहण के साथ भारत में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। और अगर आपके पुरस्कार और सम्मानों की बात करें तो कवि कुटुंब चेन्नई द्वारा सरस्वती सम्मान काव्य कौस्तुक सम्मान अनेक संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों के संचालन संयोजक एवं काव्य पाठ हेतु आपको सम्मानित किया जा चुका है। आज आपको श्रीमती उमराव देवी धींग साहित्योदय पुरस्कार 2023 से सम्मानित करते हुए युगधारा और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर गौरवान्वित है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ बधाई धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी। और हाँ जी जी बिल्कुल। और अब मैं श्रीमती उमराव देवी धींग साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए डॉक्टर रेखा खराड़े जी के परिचय के लिए आमंत्रित करूंगा श्याम जी मठपाल साहब को कि पधारें और रेखा जी का परिचय उनकी उपलब्धियों का यहाँ ब्यौरा दें पाठ करें। सम्मानित मंच उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमन। मुझे आदरणीय डॉक्टर रेखा खड़ाली जी का परिचय का सो अवसर मिला है। आपका जन्म जून 1986 में हुआ। आपका मूल गांव मुकाम पोस्ट वीरपुर तहसील गामड़ी आहाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान में हुआ।
आप वर्तमान में डूंगरपुर राजस्थान में निवास कर रही हैं। आपकी योग्यता शिक्षा, आपने एमए नेट पीएचडी किया, आपको कई उपलब्धियां और पुरस्कार भी मिले जिनमें प्रमुख हैं नारी शक्ति सागर सम्मान, नर्मदा प्रकाशन सम्मान, नवकिरण साहित्य सम्मान, आदिकवि भगवान महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार और शांति पुरस्कार। इसके अलावा आपके कई प्रकाशन भी हुए हैं, आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिनमें है नदी शब्दों की काव्य संग्रह साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से, हिंदी में डायरी लेखन का स्वरूप विकास और परंपरा बोधि प्रकाशन, हिंदी साहित्य में आदिवासी सामाजिक जीवन अभी ये प्रकाशाधीन है। आपके कई लेख पत्र पत्रिकाओं में और शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं जिनमें प्रमुख हैं मीरा के साहित्य में सामाजिक चेतना, एक साहित्यिक की डायरी, बोरुंदा डायरी, हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में समसामयिकता, वागड़ में होली, फाइटर की डायरी, पहला गिरमिटिया पर समीक्षा, आलोक धनवा की कविताओं में सामाजिक चिंतन, राजस्थान की लघु कथाओं में समाज, आदिवासी हिंदी उपन्यासों में स्त्री चिंतन के स्वर, हिंदी कविता में जल जंगल और जमीन, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ उपन्यास में आदिवासी जीवन और संघर्ष, रणेंद्र के उपन्यासों में आदिवासी जीवन संघर्ष, आदिवासी संस्कृति और परंपराएं, विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान के संदर्भ में, भारतीय परंपरागत दर्शन में भाषा और साहित्य। इसके अलावा आपके कई साझा संकलन भी प्रकाशित हुए हैं जिनमें प्रमुख हैं उजेश, नवकिरण, बंधन प्रेम का, अक्षर अवली। आपको आपकी कई लेख राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, लोक जंग, समाजवाद समाचार पत्र और विश्व गाथा, जयवर्धन, हिमाचल साहित्य दर्पण, सरस्वती सुमन, अक्षरा, हस्ताक्षर एवं मंजरी पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। आपका जो है प्रसारण भी हुआ है डिजिटल एफएम और डूंगरपुर में से आपकी कविताओं का नियमित प्रसारण हो रहा है, होता है। आपकी कुछ विशेष रुचियां हैं जिनमें प्रमुख है साहित्य लेखन, साहित्य किताबों का अध्ययन, भ्रमण, अध्यापन एवं कृषि कार्य। आप वर्तमान में सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय पाल देवर डूंगरपुर में सेवारत है। आपकी परिचय जो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और एक सुखद अनुभूति हुई। आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार मठपाल साहब। अब मैं बहुत आदर और सम्मान ला रहे आमंत्रित करूं डॉक्टर रेखा खराड़ी जी ने, आप डूंगरपुर पधारिया है, श्रीमती उमराव देवी धींग साहित्य पुरस्कार 2024 वास्ते। और मैं वे आमंत्रित करूं माने धींग परिवार और सीमा जी धींग, आशा जी दाणी, हंसा जारोली जी, चारुल कोठारी जी भी पधारे, माला शॉल पगड़ी और साहित्य प्रदान करने आप रो मान बढ़ावे, सम्मान करें आप रो रेखा जी खराड़ी जी।
मैं सुरेश सालवी साहब ने भी अनुरोध करूं, माने राजस्थानी भाषा रा सुखाड़िया एमएल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रा आप जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वरिष्ठ है, आप साहित्य भेंट करेगा रेखा खराड़ जी ने। तालियां कई बात है कम बात रही। हाँ यूं थोड़ा जोर लगा सा। और बाकी जो है माने खास प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह और जी हाँ सारंगदेव साहब, कोठारी साहब, किरण जी, अनिल जी, दिलीप जी, मंचा सिंह माना सब नानी उम्र में ही आप गणो 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 अचीव की तो है, भाषा वास्ते भी गणो काम की तो है। गणी गणी बधाई आपने युगधारा परिवार, दिंग परिवार ही और राजस्थान साहित्य अकादमी और अबे मैं आमंत्रित करूं। राजस्थानी जी का जन्म 23 अप्रैल 1988 को तहसील देवली जिला टोंक में हुआ। इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की है तथा इतिहास और राजस्थानी साहित्य में इन्होंने एमए किया है। इसी के साथ इन्होंने बीएड किया है और साथ ही इतिहास और राजस्थानी विषय में नेट की उपाधि प्राप्त की है। लेखन, पठन, गायन के साथ साथ अभिनय और अध्यापन इनकी रुचि के विषय रहे हैं। हिंदी और राजस्थानी भाषा में इनकी अच्छी पकड़ है और वर्तमान में शिक्षा विभाग में इतिहास विषय के प्राध्यापक पद पर ये कार्य कर रहे हैं। देश की अनेकों स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताओं का प्रकाशन होता रहता है, जैसे कि जागृति ज्योत, रूढ़ो राजस्थान, राजस्थली तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी की विभिन्न पत्रिकाएं। इनका राजस्थानी में लिखित कुंडली संग्रह कदय आवसी भोर प्रकाशित हो चुका है और इसी के साथ साथ हिंदी काव्य संग्रह फिर से तम छट जाएगा, ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हो चुका है। अगर इनके सम्मान की बात करें तो इन्हें विभिन्न सम्मान विभिन्न मंचों से विभिन्न समूहों द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2022 में कर्मयोगी सेवा संस्थान कोटा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है, अंबेडकर विचार मंच देवली द्वारा काव्य प्रतिभा सम्मान 2022 इन्हें प्राप्त हुआ है, कविता प्रेमी मंच भीलवाड़ा द्वारा कलमवीर सम्मान 2021 में इन्हें प्राप्त हुआ है, युवा लेखक महोत्सव जयपुर में आखर संस्था द्वारा युवा लेखक सम्मान द्वारा ये सम्मानित हो चुके हैं, श्री मुरलीधर व्यास राजस्थानी स्मृति संस्थान जोधपुर द्वारा खेचर सम्मान 2020 इन्हें प्राप्त हो चुका है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक यात्राओं में यह चयनित नाम रहे हैं, अनेक गोष्ठियों अनेक मंचों पर ये काव्य पाठ कर चुके हैं, आकाशवाणी द्वारा इनकी रचनाओं का सतत प्रसारण होता रहता है। आपको सम्मानित करते हुए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, युगधारा परिवार और धींग परिवार अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता है। धन्यवाद। धन्यवाद दीपा जी। अबे मैं आमंत्रित करूं गण आदर और मान ला रहे माने कोटों पधारे थका श्री नंदू राजस्थानी जी ने भी पधारे और आप रे सम्मान वास्ते तिलक मदन जी कोठारी साहब तिलक लगावेगा और पंकज मेहता जी, मधुसूदन मेहता जी, निशा रावल जी, शेखर रावल जी ने अनुरोध करूं कि कृपया आटे पधारें और माला पाग शॉल वो आप सम्मान करें।
नंदू राजस्थानी जी रो वो तो हाँ अनिल मेहता जी वो स्मृति चिन्ह और केसर जी हैं। शेखर जी, अनिल जी, मधुसूदन जी भाई साहब जी हैं। निशा मामा साहब, डॉक्टर साहब, वेद्रा साहब पधारें जी। पूरा ही स्नेह रहा है पूरे परिवार से, और युगधारा से भी आप बहुत वाकिफ हैं, और घर पे भी युगधारा की गोष्ठी हुई, समाज में भी युगधारा का कवि सम्मेलन हुआ है, और इस समाज के अंदर ये मेहता साहब की वजह से ही हुआ है। स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र भेंट करने के लिए मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे यह भेंट श्री नंदू राजस्थानी जी को प्रदान करें। नंदू राजस्थानी जी को गण गण मान, गणी गणी बधाया। सम्मान समारोह समिति द्वारा, युगधारा द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा, मेहता परिवार द्वारा, धींग परिवार द्वारा नगद राशि 7100 रुपये आपको मेहता परिवार की, और मतलब जो स्मृति सम्मान जो है वो नकद राशि द्वारा भी आपका सम्मान किया गया है जी हाँ। ये प्रणत का सम्मान है युगधारा की ओर से। हाँ हिम्मत सिंह जी तो अरे साहब, हिम्मत सिंह जी तो माना पहला है राजस्थानी में, राजस्थान महीने आप बढ़िया लिखवा वालों मान तक देवा क्या, तो श्रेणीदान जी चारण साहब ने याद करा या हिम्मत सिंह जी उज्जवल साहब ने याद करा, और आप राजस्थानी माते, आपकी अत्री अत्री बढ़िया कविता है, राजस्थानी माते भी कविता है जोरदार। प्रणत बहुत बहुत बधाई, और आप प्रणत से अनुरोध है कि अपनी ओजस्वी वाणी में अपनी रचना का पाठ करें। भाई प्रणत धींग, मैं आपके समक्ष जो कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका शीर्षक है देवतुल्य माता पिता। यह कविता मेरे पापा डॉक्टर दिलीप धींग ने बाईजी बाउसा को समर्पित की है, परंतु यह कविता सबके लिए प्रेरणादायक है। सदा पूजनीय देवतुल्य जो श्रद्धा के आधार है, नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। दुर्लभ मानव जीवन हमने उनकी खातिर पाया है, प्रथम गुरु वे और उन्होंने सदगुरु से मिलवाया है। सदगुरु से भी पहले जिनका बहुत बहुत उपकार है, नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। जिनकी गोदी में हाथों में खेले पले और बड़े हुए, जिनके ही आशीर्वादों से दुनिया में हम खड़े हुए, जन्मदाता जीवनदाता का करते सत्कार है, नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। बने संतान सुयोग्य इसी में अपना चित्त लगाया है, रात रात भर जाग जाग कर सोया भाग्य जगाया है। संतान के सुख की खातिर जेला कष्ट अपार है, नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर हुआ समर्पित जिनका क्षण क्षण, उनके उपकारों से उपकृत जीवन और जगत का कण कण, उनके होने से खिल उठता घर आंगन परिवार है, नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। मात पिता की त्याग तपस्या क्या जाने नादान बिचारे, देखो उन्हें सताकर कितने भटक रहे किस्मत के मारे। उन्हें तिरस्कृत करने वालों
को मिलता धिक्कार है। नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। उसने बोला वे ऐसे है, उसको मैंने बोला देखो कैसे भी है माँ बाप है, उनका आदर करना सीखो, उनसे ही पाया तुमने यह जीवन जिलमिल हार है। नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। जो नहीं मात पिता का होता वह कब किसका होता है, अपने ही कंधों पर अपना अभिशप्त जीवन ढोता है। हो जाते ऐसे व्यक्ति के बंद पुण्य के द्वार है। नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। मात पिता की सेवा में जो व्यर्थ हिसाब किताब लगाते, जीवन की सुंदर बगिया में फूल छोड़कर शूल उगाते, नहीं व्यापार जिंदगी मित्रों रिश्तों का संसार है। नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। पूछे उनके हाल चाल हम बतियाए कुछ समय बिताए, कर्ज चुकाए फर्ज निभाए, नहीं कभी एहसान जताए, उनकी आज्ञा सेवा भक्ति से जीवन गुलजार है। नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। माता पिता हमारे कारण कभी न लज्जित होने पाए, करे साधना ऐसी हम की उनका मन हर्षित हो जाए, अच्छे काम हमारे उनकी खुशियों के आधार है। नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। माँ धरती ममता की मूरत, पिता अनुशासन का नाम, पावन दिल के देवालय में दोनों ही श्रद्धा के धाम, वात्सल्य का निर्जर है वे, उत्सव है त्योहार है। नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। आगम उपनिषद रामायण जिनका गाते गौरव गान, राम कृष्ण और महावीर भी जिनका करते थे सम्मान, सचमुच माता और पिता की महिमा अपरंपार है। नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। नमस्कार उन मात पिता को करते बारंबार है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। या तालियारी गूंज बताई रही है कि प्रणत में कतरो जोश और कतरी बढ़िया कविता भणिया अपने पिताजी री, बहुत बहुत। और दिलीप जी अतरी बढ़िया कविता लिखी, आपका हिंदुस्तान ने जोड़ दी दो आवटे आपरी कविता मैंने, गणों गणी बधाई आपने और प्रणत ने। माने बच्चे मारा भी आदरणीय नरोत्तम जी व्यासा विराज मैंने मनाने नमन करूँ। सरवत खान जी बधाई रखा है, उर्दू मैंने आप काफ़ी काम कर रहा है और गणा शिष्य तैयार किया है, बहुत अच्छी गज़ल भी लिखे आप भी अटे अणि कार्यक्रम में सम्मान। और जो हमारा वरिष्ठ और भी बता रहता है सब ने प्रणाम करूं और अणि कार्यक्रम रो मैं आपने अभिनंदन भी करूं। अभी मैं आगे आमंत्रित करूंगा कि अपने काव्य पाठ और अपनी बात के वास्ते पाँच मिनट जो है माने जी बधा रहता है जाना और सम्मान भी है मनाने अनुरोध करूँगा। सबों पहला मैं बुलाऊँगा माना तरुण कुमार जी दादी साहब ने भी पधारे और अपनी बात कहें। माने जो गीत काव्य गोष्ठी आदरणीय में कार्यक्रम में हो माने मैं यही सो कि जो आज सम्मान वाला माना जो खास पामणा है मणा द्वारा अपनो गीत कविता जो भी भणे और अपनी बात भी कहें यू अणिवास्य उन्हें गीत गोष्ठी कार्यक्रम राखे। सम्मानित मंच आदर जो कोठारी साहब, शरंगदेव साहब, सोलंकी साहब, मेहता साहब, किरण जी, सभी विद्वान साथियों और विदुषी बहनों, मैं आज के सम्मान समारोह के विषय में चाहे हिंदी में कहूँ या राजस्थानी में, दोनों में ही सहज है मेरे लिए, लेकिन मैं हिंदी में बोलना ठीक समझूंगा क्योंकि मैं कविता हिंदी में पढ़ूंगा आज। कल मुझे जब ये फ़ोन पे ज्ञात हुआ कि मुझे कविता पढ़नी है तो मैंने कविता का चयन किया, वो कविता राजस्थानी की नहीं निकली और वो हिंदी की है, इसलिए मैं आपके सामने अपना वक्तव्य हिंदी में दे रहा हूँ। मैं आज के इस आयोजन के अवसर पर आयोजनकर्ताओं को इस बात की बधाई देता हूँ कि ऐसे आयोजन जो करते हैं वो सबसे बड़ा काम एक करते हैं कि ये सम्मान नहीं है, ये कुछ भी नहीं है,
लेकिन ये एक सबसे बड़ा प्रोत्साहन है उस कलमकार के लिए, ताकि वो इस प्रोत्साहन को पाकर सतत क्रियाशील रहता है। सम्मान नहीं है, सम्मान की राशि चाहे कुछ भी हो, सम्मान में एक रुपया नारियल मिल रहा है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान सम्मान होता है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, जब से मैंने लिखना शुरू किया है 1989 से और सबसे पहले राजस्थान पत्रिका में छपा हूँ, तब से मेरे में एक जो स्फूर्ति जागृत हुई है, तब मैंने इस चीज़ को अंगीकार कर लिया कि जो रचेगा वो बचेगा। आज अगर किसी रचनाकार ने कोई रचना लिख दी है, पुस्तक लिख दी है, तो निश्चित रूप से उसने लिख दी, उसने रच दी, और वही रची हुई रचना उसकी बचेगी और आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। और इससे बड़ा बात, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ऐसे ऐसे मतलब सृजन धर्मियों का सम्मान धिंग परिवार के द्वारा, मेहता परिवार के द्वारा, और इसमें आगे से आगे योगदान देने वाले हमारे राजस्थान साहित्य अकादमी के और युगधारा के कर्मठ कार्यकर्ता सभी व्यक्ति इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों को चुनकर मंच पर एकत्रित किया, जो कि जिनको कि भी अपना इसका पात्र समझते थे। निश्चित रूप से ये सृजनकार का, कलमकार का, लेखक का, लेखिका का सम्मान ही है, सम्मान निश्चित रूप से है, और इसके लिए मंच और सम्मानकर्ताओं का, आयोजनकर्ताओं का आभार। लेकिन इसके साथ साथ में ये एक साहित्यकार का सम्मान है और साहित्यकारों का सम्मान है। इन साहित्यकारों के सम्मान के लिए आप सभी को, मंच को, आप सभी को और उपस्थित समुदाय को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। मैं आपके समक्ष, मेरी एक बहुत अच्छी रचना है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, समसामयिक भी है, और मैं चाहता हूं कि आप सुनें। कविता का शीर्षक है बेटा जन्मा। जी हां, मेरे यहां बेटा जन्मा, मेरे यहां बेटा जन्मा खुशियां मनाई, मेरे यहां बेटा जन्मा खुशियां मनाई, मिठाइयां खाई, वंशवर्धक आया कुल दीपक आया, वंशवर्धक आया कुल दीपक आया, पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ेगा लिखेगा बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा बड़ा आदमी बनेगा, सेवा करेगा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सेवा करेगा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, फिर शादी होगी, फिर शादी होगी, किसकी शादी होगी, शादी होगी किसकी शादी होगी, इससे होगी या उससे होगी, लेकिन किससे होगी, इससे होगी या उससे होगी, किससे होगी, 25 वर्ष बाद क्या ऐसा होगा, 25 वर्ष बाद क्या ऐसा होगा, नहीं कदापि ऐसा नहीं होगा, नहीं कदापि ऐसा नहीं होगा, कन्याएं जन्म ले रही है जन्म लेने से पहले, कन्याएं जन्म ले रही है जन्म लेने से पहले, और हम देख रहे हैं कैसे सपने सुनहले। हाँ शादी नहीं होगी, हाँ शादी नहीं होगी, बेटा कुंवारा ही रहेगा, हाँ शादी नहीं होगी, बेटा कुंवारा ही रहेगा, क्योंकि बात सीधी है कन्याओं का टोटा रहेगा, क्योंकि बात सीधी है कन्याओं का टोटा रहेगा। अब बेटा होने पर मुझे कौन सी बादशाहत मिल जाएगी, बेटा होने पर मुझे कौन सी बादशाहत मिल जाएगी, और बेटी होने पर कौन सी मेरी बादशाहत छिन जाएगी। हर एक जोड़ा स्त्री पुरुष का, हर एक जोड़ा स्त्री पुरुष का है अनुपात 50-50, हर जोड़ा स्त्री पुरुष का है अनुपात 50-50, फिर व्यर्थ में हम क्यों करें केवल बेटों की ही आस, केवल बेटों की ही आस। धन्यवाद। गणो हो तरुण जी, के व्यर्थ में क्यों करें बेटों की आस, दो यारे व्यों या प्रकृति ही है कि दो यार व्यों से प्रकृति आगे बढ़े, और गणी हो बात के दी। अबे मैं
माने पुरस्कृत जी साहित्य कार्य मनाने बोलाऊँ एक एक करने बंडे पहला एक सम्मान विशेष तौर हूँ माने दिलीप जी धींगरी और वो पिछली बार भी राखियो थो खास जो है भाई विद्यार्थी आने एक विशेष सम्मान देवा में वी है श्राविका रत्न उमराव देवी धींग स्मृति जैन दिवाकर रजत पद और प्रमाण पत्र मनाने भेंट करें पंडे वास्ते में सबू पहला आमंत्रित करूं भाई मुमल चौहान आप बंबूरा बिराजे हैं आप पधारे छात्रा अच्छा छात्रा हैं हाँ बहुत बढ़िया मुमल आओ बेटा इधर जिला स्तर पर 12वीं में इन्होंने जिला स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया और बंबूरा की छात्रा हाँ 12वीं में जिला स्तर पर इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और छोटे से गांव बंबोरा की छात्रा है छोटा सा घर बहुत अच्छा काम है इनका पूरा गांव गौरवान्वित हुआ और उसी गांव के हम हैं हमें लगा विद्यार्थी का सम्मान आप जैसे अतिथि और इससे इतनी बड़ी परिषद के बीच में हो इसलिए इनको यहां बुलाया तो दाद भाई आ जाए आगे कि उसके लिए और फिर अतिथिगण प्रमाण पत्र और बहुत बढ़िया मुमल और बंबोरा छोटा गाँव नहीं है जहाँ दिलीप जी रहते हैं वो गांव छोटा कैसे हो सकता है हैं पिछले 10 वर्षों से लगातार कन्यालाल धीम पुरस्कार से पुरस्कृत साहित्यकार राजस्थान के हो रहे हैं ये बहुत खुशी की और बाद में उमराव देवी धीम साहित्य पुरस्कार युवा कवियों को भी सम्मानित किया जाता है और ये धीम परिवार की ओर से भाई जी की ओर से एक नया जो पुरस्कार शुरू हुआ पिछली बार से विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। हम तो युगधारा परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे और मुमल को बहुत बहुत बधाई देंगे के बहुत बहुत बधाई गण गण मान आप रो। अभी मैं आमंत्रित करूं वत्सल जारोली जी ने वत्सल जारोल जी पधारे आप उदयपुर विराजे हैं और मैं दिलीप जी ने अनुरोध करूं कि आपके बारे में कुछ बतावें। इन्होंने भी बड़ी चुनौतियों के साथ में पारिवारिक और दूसरी जेई में सर्वोच्च अंक के साथ में इन्होंने यहाँ उत्तीर्ण किया है तो इनका सम्मान होने जा रहा है और इनके हाँ मैं आदरणीय हाँ नरोत्तम जी व्यास साहब ने अनुरोध करूँ कि पधारें और शरद मैडम ने भी अनुरोध करूँ पधारें और शकुंतला सोनी जी पधारें और वत्सल जारोल जी को सम्मान करें। गणो गणो आभार गणी बधाया वत्सल ने नरोत्तम व्यास जी रो आभार आप आशीर्वाद माने मिलते रहे शरद मैडम भी लगातार पधारता रहे शकुंतला जी धन्यवाद। जपमाला अंतर मन में जावारो गणो सुगम रास्तो है। अच्छा आपको 11 ग्राम शुद्ध चांदी का रजत पदक जो है वो भेंट किया जा रहा है। हम सभी माँ सभी गणा गणा अभिभूत हैं। महीनू जो है यू बहरियो कह रहे दीप परिवार जो है साहित्य वास्ते और युवा रे वास्ते अत्रो बढ़िया काम कर रहा है। वाकई में आप रो और मेहता परिवार रो गणो गणो मान गणो आभार आप सभी रो। और अभी मैं आमंत्रित करूं माने अपनी बात के वास्ते श्रीमती विजय लक्ष्मी जी देथा जी कन्यालाल धींग राजस्थानी पुरस्कार 2024 वास्ते जनारो सम्मान की दो आदरणीय भाभी जी पधारें और अपनी बात करें। हाँ सर हाँ मतलब आप अपनी बात 5 मिनट में और रचना भी और वनडे पास श्रेणीदान जी चरण साहब सबको नमस्कार मंच को विशेष नमस्कार
बहुत अच्छा कार्यक्रम दिलीप जी द्वारा पुरस्कार वितरण का सम्मानित किया जाता है लोगों को, और साहित्य के प्रति भी और शिक्षण के प्रति भी आपकी रुचि, आपका भाव प्रभाव सब तरफ है, और आप तो विश्व स्तर पर पुरस्कृत है, मैं आपसे बहुत अभिभूत हूँ। एक गीत का मुखड़ा और एक गीत राजस्थानी में। बेटा यदि कुलदीपक है, बेटा यदि कुलदीपक है तो बहु दीप की बाती है, बेटा यदि कुलदीपक है तो बहु दीप की बाती है, बिन बाती के कह दो साथी क्या ज्योति मिल पाती है, बिन बाती के कह दो साथी क्या ज्योति मिल पाती है। और राजस्थानी में गीत, बेटियों को मारते हैं हम, मारते हैं कोख में, बेटियों को मारते हैं ससुराल वाले आग में जला के काट के, तो क्यों दहेज हत्या उत्पीड़न भ्रूण हत्या क्यों होती जा रही है। ये लोभी दाय जा का दुष्ट बाले बेटियां मां की, ये लोभी दाय जा का दुष्ट बोटे बेटियां मां की, के धोबो धूल या का माजना में क्यों नहीं नाखी, के धोबो धूल या का माजना में क्यों नहीं नाखी, ये लोभी दाय जा का दुष्ट बाले बेटियां मां की, जन्म सू ले जवानी तक रा खर्चा पाई पाई ने, जन्म सू ले जवानी तक रा खर्चा पाई पाई ने, सांतरा सूत ले सिगड़ो सगा सू ये सगाई में, अणुता खर्ज कांटा सू काल जा में पड़ी टाकी, अणुता खर्ज कांटा सू काल जा में पड़ी टाकी, के धोबो धूल या का माजना में क्यों नहीं नाकी, ये बेटा बेच रिया भाया मुँह मांग्या मोल रे माथे, ये बेटा बेच रिया भाया मुँह मांग्या मोल रे माथे, के जाने बेच रियो बोटियां कसाई तोल रे माथे, अकलरी भैंस ने या तो अंधारे रास्ते हाकी, अकलरी भैंस ने या तो अंधारे रास्ते हाकी, के धोबो धूल या का माजना में क्यों नहीं नाखी, के बेटी आपनी वेवे के वेवे वा पराया की, के बेटी आपनी वेवे के वेवे वा पराया की, दया करुणा क्षमा मूरत अंशवा जोग माया की, के बेटी आपनी वेवे के वेवे वा पराया की, दया करुणा क्षमा मूरत अंशवा जोग माया की, मिनख ने जन्म दे अरवा राखरी मिनखरी साखी, मिनख ने जन्म दे अरवा राखरी मिनखरी साखी, के धोबो धूलिया का माजना में क्यों नहीं नाखी, मराओ मत मिनख वेयर या थे ऊख में बेटी, मराओ मत मिनख वेयर या थे कूख में बेटी, कराओ मत करम फूटा खुदा खुद आपरी हेटी, संभल जाओ संभल जाओ समझ जाओ संभल जाओ अजे भी जेज है बाकी, समझ जाओ संभल जाओ अजे भी जेज है बाकी, के धोबो धूलियां का माजना में क्यों नहीं नाखी, के धोबो धूलियां का माजना में क्यों नहीं नाखी, ये लोभी दाय जा का दुष्ट बाले बेटियां मां। घणो घणो आभार, जोरदार कविता। और आज की जरूरत भी है खेड़ी बाजारवाद में जो भटक रहा है मनख, वी हाँची में होछे के वाकई में दुआरी
बेटा और बेटी की कतरी जरूरत है और अतरी बढ़िया कविता भणी गणो गणो आभार माँ। और अभी मैं आमंत्रित करूँ हणी दंपति रे दूसरों जो स्तंभ है, एक स्तंभ विजयलक्ष्मी जी हा और एक स्तंभ माने आदरणीय श्रेणीदान जी चारण सा बड़ा अनुरोध करूँ कि पधारे। तो महाराणा प्रताप चार पंक्तियाँ बोलने में आमंत्रित करूँ आपने कि प्रताप थानी होचरो कतरो करूँ बखाण और अंतर मनु आपने शत शत करूँ प्रणाम के स्वाभिमानरा पुंज हा मेवाड़ी शान और मिनक प्राणारा आप में धड़क रिया हा प्राण मनक प्रिया मनक पणारा आप में धड़क रिया प्राण। आदरणीय श्रेणीदान जी चारण सा पधारे अपने बात आदर जोग मंच में विराजा सब मनीषा ने प्रणाम। आज जो जलसो धींग और मेहता जी पुरस्कार समारोह, पहला भी वो हर बार धींग सम्मान समारोह में आयो पर आज जटा लोग पधारिया है वणन देखे बहुत बड़ी खुशी वे रही है। धीरे धीरे लोग आने सम्मान जुड़ता गए जाए सारा लोग आएगा भी सही टाइम आएगा देंग साहब जो राजस्थान लेवल पे जाएगा बधाई दूँ आपने। मैंने जो पुरस्कार मिलियो जोड़ा हूँ महाराज द्वारा हर काम जोड़ा हूँ भैया मां शादी भी जोड़ा हूँ की थी रिटायरी भी एक दिन जोड़ा हूँ भैया। हालांकि मु पहला चेन्नई रोजदान कमिश्नर गियो धींग साहब मिलया भी सही पर नहीं बुलाया घरे जदि मैं दो ही जना गया जदि धींग साहब मैंने घरे बुलाया जोड़ा हूँ तो मारा हर काम जोड़ा हूँ भाई और जोड़ा हूँ हिसाब री विद्यापीठ डबोग हूँ बी एड की दी और कई कई जोड़ा हूँ भेड़ मारे हिसाब में अशो जोड़ो कटे नहीं होगा जन्ना हर काम जोड़ा हूँ भैया। और स्टार्टिंग आकाशवाणी रो कवि सम्मेलन भिंड कानोड़ में वटे भी मैं जोड़ा हूँ गया कविता भी जोड़ा हूँ बड़ी माँ बंकट बिहारी पागल रहे संचालन में भीलवाड़ा में सम्मान कविता पाठ भी जोड़ा हूँ कीधो माड़ा मैं अन्ने पहराई बनी मने पहराई बाकी दूसरा तो बड़ा माड़ा पढ़ा दूसरा बटे भी माँ सब काम मान जोड़ा हूँ या मैं डिंग साहब आपने बताई बहुत स्नेह दिया डिंग साहब ने इनके जब हम घर गए थे इनकी श्रीमती जी और बच्चा इतना सा था छोटा सा पाँच छः साल की बात हो गई मेरे गुरुदेव विराज रहे हैं इन्होंने जयपुर में ना राजस्थान रो कछो प्रोग्राम गुरुदेव भूल गयो जड़ी में NRI जाया सब आप यदि राजस्थानी भारत साहित्य अकादमी अध्यक्ष था खूब प्रोग्राम भैया जना माने भी खूब सम्मान मिलियो खूब जगह जगह माने बुलाया हालांकि कलकत्ता भी भेजियाना कवि सम्मेलन में मैं निवेदन करूं मारी पंक्तियाँ सब पहला ढींग साहब आज या जो माला दीदी आप कशो मंत्र जाप रही नमोकार चार पंक्तियाँ आपने नमोकार मंत्र क्या है यो हिंदी में बोलूँगा कविता राजस्थान सुनो जिंदगी का यही सार है जिंदगी का यही सार है जपने से बेड़ा हो पार है त्रिशलानंदन ने जग को दिया वो मंत्र नमो कार है अरे जैन तो ताड़े बजाओ वो मंत्र नमो कार है हर हृदय शुद्ध हो साफ हो पापी हो ना कोई पाप हो सब घरों में मेरे देश के नमोकार मंत्र का जाप हो नमोकार मंत्र का जाप हो। और मन याद आई रही पुरानी पंक्तियाँ
आदरणीय कर्नल साहब बिराजरा है, ये भी मिलिट्री में संबंध रखे, कर्नल मिलिट्री के ही होते हैं, जैसे अपने डॉक्टर MBBS होते हैं ना, वे डॉक्टर MBBS और आपा साहित्य डॉक्टर, तो ये वे कर्नल है। मैं निवेदन करना चाहूँ साहब, मन याद आए कि पंक्ति कर्नल साहब बिराजरा आप कारगिल युद्ध में राजस्थान का सबसे ज़्यादा वीर शहीद भी, या कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि झुंझुनू जिला रो काशी का बास रो एक राजपूत जिन्हें शादी ने केवल 2 महीना बिया सेना में भर्ती हो, 2 महीना छुट्टी लेना है, वो पाचे पाचे तार आ गयो कि आपने छुट्टी कैंसिल, पड़ोसी देश आक्रमण कर दियो, कारगिल चले गयो और वो बड़े जैन वो कारगिल में शहीद हो गयो, शहीद हो वे गयो तो वनी जो पार्थिव देह वह गाँव में आई, गाँव में आई तो ये सब मिलिट्री लोग और प्रशासन और राजनेता पहुँचे, बड़े पत्रकार भी एक पहुँच गयो, तो वणिदान कर्नल साहब एक पत्रकार वणी लड़की ने प्रश्न कर ली दो कि बहना अब सारी जिंदगी रो कहीं बहेगा, यानी जंडे हाथा ने मेहंदी भी नहीं सूखी, जंडो सुहाग 2 महीना रहो देश से काम आ गयो, वणने भी पत्रकार ये आदत हुए आंगड़ी करवा दी, वणी वणी लड़की ने पूछ ली दो कि बहना अब तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, तो वणी लड़की जो पत्रकार ने जवाब दी दो भाई मारे 2 मुक्तक सुना चंद सुना, वह कह रही है कि काला गाबा पहन सान सूझी लूंगी, काला जी गाबा पहन सान सूझी लूंगी, जीवन की फाटोड़ी चादर सी लूंगी, साजन हुआ शहीद देश की सीमा पर, और मैं मीरा बन जहर को प्यालो पी लूंगी, मैं मीरा बन जहर को प्यालो पी लूंगी, 2 महीना का साथ में सब कुछ दे गया वे, 2 महीना का जी साथ में सब कुछ दे गया वे, मर्यादा कुल रीत कान में कह गया वे, गोदी में वहाँ की सेनानी आवेला, अजी होता ही मोटर सीमा पर जावेला, होता ही मोटर सीमा पर जावेला। एक छोटो सो राजस्थान की बरखा, जाग तो हर खेत हुयो धरती सुहेत हुयो, जाग तो हर खेत हुयो धरती सुहेत हुयो, आभे में आया मेघ सांवला, प्रीत रीप नाल झरिया बादला, प्रीत रीप नाल झरिया बादला, तवाजू तपती ही दर तीरी काया, रूख विया ठूठ वारी नी रही छाया, पणिहारिया पणगट पे जामनोई भूलगी, जीलारी नामा भी तरनोई भूलगी, आस पूरी लोग हुया बावड़ा, प्रीत रीप नाल जरा बादड़ा, हल बीज बलद ले हालियो किसान, हल बीज बलद ले हालियो किसान, मुम में उमंग या के लहला सी धान, दिन चढ़िया भाटोले भटवारण आवसी, भाटो डिनर, दिन चढ़िया भाटोले भटवारण आवसी, धनिया ने आप रावहे सूझी मावसी, बैजरिया बलद भी उठावड़ा, प्रीत रीप नाल जरा बादला। अब झीला लिख तो दिया, समय कम है, पर मैं एक आधा मिनट लास्ट, अब जब बारिश हुएगी झीला बरकी वटा रोशी, बात ठीक है, ये लो आप कर, ये आप रो कागज खत्म, ऐसा है शेणदान जी चारण साहब, तो अगर चाहे नहीं तो 2 के 4 घंटा जो है आप में होनाता रहे और आनंद आता रहे, आप ही तो कतरी तारीफ करना उतनी कम है, पर आज कई समय भी है, नाते बचे खानों भी नहीं है, थोड़ा सा अल्पार जो भी है, तो अड़ी वास्ते या भी एक चिंता की बात तो है सर, पर जैन परिवार धीम परिवार भी काफ़ी लोग है, तो अड़ी वास्ते थोड़ा सामंजस्य बैठने अपनों टाइम लो, थोड़ा सामंजस्य है, अभी मैं खास आई जाऊँ और मैं बोलाऊँ डॉक्टर रेखा खराड़ी जी ने श्रीमती उमरा देवी दीन साहित्य पुरस्कार 2024 वास्ते जी पुरस्कृत किया डॉक्टर रेखा खराड़ी जी।
समाचार दे सम्मानित मंच सभाघर में उपस्थित प्रबुद्ध जन मेरे गुरु, आज मुझे जो सम्मान दिया उमराव देवी डिंग साहित्योदय पुरस्कार, इस आदिवासी लड़की को इस योग्य समझने के लिए सबसे पहले तो मैं ढींग परिवार युगधारा संस्थान इस सभागार में चूँकि हम बैठे हुए हैं, राजस्थान साहित्य अकेडमी का काफ़ी योगदान रहा। मेरी किताब भी जब पहली पुस्तक आई तो एकेडमी के सहयोग से ही आई थी, तो मैं अकादमी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सम्मान है वो केवल सम्मान नहीं है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी हो ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। मैं बैठी थी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है जिसको मुझे पूरी निष्ठा से निभाना है, और मैं मन से ये वादा करती हूँ कि मैं इसे पूरी श्रद्धा के साथ इसे निभाऊंगी। इस सभागार में मेरे गुरु भी यहाँ पर उपस्थित हैं, यह सम्मान मेरे गुरु के आशीर्वाद का है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, मेरे पूरे भागड़ का सम्मान है। मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपके श्री चरणों में एक दो क्षणिकाएँ और गीत में मेरा हाथ बहुत तंग है, पर किरण मैडम का आदेश था और आपके आदेश की पालना करने का प्रयास करते हैं। पहाड़ों की ताजा हवा, नदी का मीठा जल, कि पहाड़ों की ताजा हवा नदी का मीठा जल, जंगल से लाई हूँ सबरी के बेर, ताकि बनी रहे देश की सेहत, बना रहे भाईचारा। क्योंकि मैं आदिवासी साहित्य और आदिवासी कविताओं में मेरा काम है, तो एक जल जंगल जमीन की छोटी सी कविता है कि सुनो जल जंगल और जमीन माई बाप है मेरे, कि सुनिए जल जंगल जमीन माई बाप है मेरे, हमारे जीवन की सभी पीढ़ियों की जड़ों की इन्हीं सब में गहरे पेट है, इनके वजूद के ऊपर से निकलना किसी के भूते की बात नहीं है, कि इनके वजूद के ऊपर से निकलना किसी के भूते की बात नहीं है, इनके ऊपर से निकलने से पहले मुझे रोंदना होगा, कि इनके ऊपर से निकलने से पहले मुझे रोंदना होगा। मैंने गीत आज से पहले कभी गाया नहीं है, अगर जमा तो ठीक, नहीं तो क्षमा के साथ। आशाओं के फूल खिले हैं तेरे मेरे मन में, आशाओं के फूल खिले हैं तेरे मेरे मन में, प्रेम कली ने ली अंगड़ाई प्रीत के आंगन में, प्रेम कली ने ली अंगड़ाई प्रीत के आंगन में, मैंने निजवानी में आशा का उपहार सजाया है, मृदुल करों की अंजुरियों में हर मधुमास छुपाया है, मैंने निजवानी में आशा का उपहार सजाया है, मधुल करो की अंजुरियों में हर मधुमास छुपाया है, कुंज गली में लिए परागो के ढग रखा बसंत ने, तब अपने दिल ने भी देखो पंचम स्वर में गाया है, बरसी प्रीत करुणा बरसी प्रीत करुणा दिल के मंदिर पावन में, बरसी प्रीत करुणा दिल के मंदिर पावन में, प्रेम कली ने ली अंगड़ाई प्रीत
तुमने भी मेरे सपनों में ऐसे स्वर संधान किया, तुमने भी मेरे सपनों में ऐसे स्वर संधान किया, जैसे अंबर की वीणा को चंचलता ने छेड़ दिया, जैसे अंबर की वीणा को चंचलता ने छेड़ दिया। बरसे तुम बादल बनकर पीयूष किया हर बूंद को, कि बरसे तुम बादल बनकर पीयूष किया हर बूंद को, मेरे दिल को लगा के जैसे उसने अमृत पान किया। फिर अपने वादे क्यों, फिर अपने वादे क्यों टूटे थोड़ी अनबन में, फिर अपने वादे क्यों टूटे थोड़ी अनबन में, प्रेम कली ने ली अंगड़ाई प्रीत के आंगन में। तीसरा और आखिरी बंद है। आने से तेरे मेरे जीवन की कमियां दूर हुई, आने से तेरे मेरे जीवन की कमियां दूर हुई, तुमने गीत मिलन के गाए तो मैं टूट के चूर हुई, तुमने गीत मिलन के गाए तो मैं टूट के चूर हुई। सुनकर झूम उठी थी तनवंगी सी हर एक अमराई, कि सुनकर झूम उठी थी तनवंगी सी हर एक अमराई, अधरों पर इस धरती के ये मुस्काने भरपूर हुए, अब क्यों पतझड़ साया, कि अब क्यों पतझड़ सा आया इस दिल के कानन में, अब क्यों पतझड़ सा आया इस दिल के कानन ने, प्रेम कली ने ली अंगड़ाई प्रीत के आंगन में, कि आशाओं के फूल खिले हैं तेरे मेरे मन में, आशाओं के फूल खिले हैं तेरे मेरे मन में, प्रेम कली ने ली अंगड़ाई प्रीत के आंगन में। आप सभी ने बहुत ही प्रेम से और बहुत ही शांति से सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मंच का भी मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। सर आपका भी बहुत बहुत आभार। ज्योतिपुंज जी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं सिसोदिया साहब, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ मुझे इस लाइव बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार रेखा खराड़ी जी, आपने प्रेम रस में इस पूरे समारोह ऑडिटोरियम को प्रेम रस में सरोवर कर दिया, धन्यवाद। और अभी मैं वना टाइम खराब करता था का अनुरोध करूं आदरणीय श्री नंदू राजस्थानी जी ने श्री भवदत्त मेहता स्मृति युगधारा पुरस्कारों पुरस्कृत किया है। आदरणीय आदर जो पधारे श्री नंदू राजस्थानी अपनी बात के में। सुपनारी मेड़ी पेटा क्या नाना नाना नकली तारा, भीत्या हंसी गोखड़ा मुड़किया लाडी कर रही आंगन गारा, आँख खुली तो मक्की गड़की भूकी आता करे कड़ा का, कशा बलद का रंगू सिंगड़ा टाबर मांगे बड़ा बड़ा का, लेरा मैं लिचमी को बेटो लाडू डारो भोग लगा रियो, पगा उबाणो करसो लुड़ लुड़ तल खांड को जोग जमा रियो, और खात बीज को पानो देखो सीढ़ी आंख उगाड़ी आगी, और होली की दिवाली बाकी पाछी आज दुआड़ी आगी। आप सभी मेहताओं श्रोताओं ने विशिष्ट मंच ने दिवाली की बहुत बहुत घनी घनी बधाइयां। युगधारा साथे राजस्थान साहित्य अकादमी शू जुड़िया सगड़ा परिवार का सदस्य मेहताओं पुरस्कार देवा वाला बड़ा दिलरा लोग और पुरस्कार लेबा वाला सभी साहित्यकार, आप सभी ने नंदू राजस्थानी की तरफ शू कालजरी कोरचू गुणो गुणो आभार घनी घनी बधाई। विशेष रूप से मेहता परिवार रो आभार व्यक्त करना चाहूँ कि मैंने आपरा परिवार रो सदस्य बनायो और पहलो सदस्य बनायो।
चूंकि राजस्थानी मान्यता संघर्ष समिति रो मैं जिलाध्यक्ष रहो हूँ तो एक छोटो सो गीत ई मंचू न कर सको तो कठा शू करूँ छोटा सा गीत। सुनो सुनो लागे माने मुरधर को गलियारो जी, सुनो सुनो लागे माने मुरधर को गलियारो जी, सुनो सुनो लागे माने मुरधर को गलियारो जी, कुण ने अरकद देखो माँ की मायड़ को उनियारो जी, कुण ने अरकद देखो माँ की मायड़ को उनियारो जी। और कायरी बाट देख रहे हैं कि घूंघट को पट हट बाकी बाट देख रिया, देखो नहीं थाने माँ का मुंडा को मंडान चे, सोला श्रृंगार भरपूर रूप सजरियो, पूत कर रिया जठे माई को बखान चे, मीठी छे जबान जिसु कुणे अनजान अठे, देश दुनिया में इकी घणी ही पिछाण चे, फेर भी समान नहीं मायड़ी ने मान नहीं, रोज मर या तो जाने घरा ही मसान चे, रोज मर या तो जाने घरा ही मसान चे, कि पर्दा पाछे मायड़ मुड़के, घूंघट पाछे मायड़ मुड़के, अधरा पे अंधियारो जी, कुण ने अरकद देखो माँ की मायड़ रो उनियारो जी, कि ढूंढाड़ी मेवाड़ी मारवाड़ी सेखावाटी भीली हाड़ोती मेवाती बोली इको परिवार छे, ढूंढाड़ी मेवाड़ी मारवाड़ी सेखावाटी भीली हाड़ोती मेवाती बोली इको परिवार छे, धोरा का आंगनिया में खेजड़ी का गान गूजे, आडावल राग हिवड़ा के आर पार छे, लूणी अर बनासी माँ का मनड़ा की प्यास मेटे, माही संग गीत गावे चामल की धार छे, मेव मेरे मरु माल ताई हाल सब जाने, भाषा सु अछूतो कोने माल वो पठार चे, भाषा सु अछूतो कोने माल वो पठार चे, पर कि आभे सुबे ऊपर जासी, अजी अंबर सुबे ऊपर जासी, कदी को जे कारो जी, कुणन अरकद देखो माँ की मायड़ को उनियारो जी। कि प्राणी परंपरा कि गोरी गिण गोरिया गावे गोर बंद गूंथे, और घूमरन देख नाच मनड़ा को मोर छे, उड़ जद कालो काग पीव माँ के घर आवे, केसरिया बाल मन हिवड़ा में टोर चे, काल बेलिया सो नाच देवा की फड़न बाँच, मांड गाई की को अठ चारू मेरे सोर चे, खम्मा घनी रीत मीरा मुमल सी प्रीत, और ढोला मारू गीत माँ का काल जा की कोर चे, ढोला मारू गीत माँ का काल जा की कोर चे, कि रात चांदनी बादल छारिया, रात चांदनी बादल छारिया, काई को उजियारो जी, कुण ने अरकद देखो। और आखिरी बंद सीधो सरकार सुबात, कि तारा भांति लुगड़ी पे लेंगो काली छीट वालो, गोटो पीला पोम चाप प्यारो परिधान छे, तारा भांति लुगड़ी पे लेंगो काली छीट वालो, गोटो पीला पोम चाप प्यारो परिधान छे, गोरा गोरा डील पचे कुड़ती कसीदा वाली, साफो माते धर धोरा देश धन धान छे, बण बणी ठणी बाट जोवे बाल माजू थारी, सुन बेरी राज थारो गियो कठ ध्यान छे, अरे जो बने रो जान मोल मायड़ी सु मुंडे बोल, खोल दे किवाड़ माँ को घर संविधान चे, खोल दे किवाड़ माँ को घर संविधान चे, कि सब जाने श्रृंगार को कोने, कि था जानो श्रृंगार को कोने, बिन साजन के सारो जी, कुण ने अरकद देखो माँ की मायड़ को उनियारो जी, सुनो सुनो लागे माने मुरधर को गण। वाह सवा वाके में युवा नंदू राजस्थानी, और राजस्थानी में आप अपना गीत बनने बहुत गणो आनंद देवाया, और वाकई में आने पुरस्कार ने भी आप जो है ऊंचाई दी थी, आप गणो गणो मान और आभार। अब मैं आदरणीय जो स्वर्गीय कन्यालाल जी साहब और उमराव देवी जी रे लाडला सुपुत्र माना युगधारा रा पूर्व कोषाध्यक्ष और डॉक्टर दिलीप ढींग साहब ने आमंत्रित करूं कि भी अपनी बात कहें। आप वाण चेन्नई विराज है और पूर्व निदेशक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत केंद्र चेन्नई राव
दिया है और जैन धर्म और अहिंसा वास्ते आप घणों काम की दो और अहिंसा री में आप जो नमोकार मंत्री बात की थी भाभी गणी हाउ बात की थी कि आज जो युद्ध हो रहा है विश्व में और पर्यावरण तो बिगड़ रही हो और जो मानवता रो हास हो रही हो अगर अहिंसा पथ पे महावीर पथ पे चलोगा तो उन्हें रोकवा रो योज रास्तो ये हम सबरे मैंने वेणी चाहे मैं आदर जो दिलीप ढींग साहब पधारे अपनी बात कार्यक्रम ने सारस्वत अतिथि प्रदान कर लिया आदरणीय कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह जी सारंग दिवोत साहब आदरणीय डॉक्टर देव कोठारी साहब मंच पर विराजे युगधारारी अध्यक्ष महोदया राजस्थान साहित्य अकादमी रा सचिव महोदय और आदरणीय भवदत्त जी मेहतारा सुपुत्र अनिल जी भाई साहब आणि परिषद में विराजे थका सभी प्रबुद्ध और रचना धर्मी और दूसरा सब पधरे थका सब खूब खूब सम्मान मान सम्मान आपने प्रणाम करूं टेम काफ़ी वत्तो वेग्यो है और मुँह समूह पहले युगधारा परिवार के प्रति युगधारा के प्रति मारो आभार व्यक्त करूं कि पाछला 2005 पाछला लगभग 20 साल में आना माने धींग परिवार रो मान युगधारा के माध्यम बढ़ी रखियो है और अत्रो बड़ो कार्यक्रम अत्रो बड़ो मंच आपने आप माने दे मिलियो है राजस्थान साहित्य अकादमी के प्रति भी मुँह आभार व्यक्त करूँ आज ये अतिथि पधारिया है सारंग दिवोत साहब आनंद अखबार में भणतो रहूँ भले चेन्नई रहूँ लेकिन उदयपुर बराबर जुड़ियो तो करियो मुँह और बराबर आपकी गतिविधियों अवगत रहूँ और आपरे कार्यकाल में विद्यापीठ ने शिक्षा ने साहित्य ने जो गति दी थी है घणी माने बड़ी प्रसन्नता और असा सारस्वत अतिथि के माध्यमों आज अत्र रचनाकार सम्मानित हुआ जी भी सम्मानित हुआ कन्यालाल धींग राजस्थानी पुरस्कार उमराव देवी धींग साहित्योदय पुरस्कार और भवदत्त जी मेहता स्मृति युगधारा पुरस्कार आना सब सम्मानित हुआ वाला ने वापस नाम नहीं लियो हूँ मारी तरफ घनी घनी बधाई दूँ और दो छात्र मैं बंबर मूमल और वत्सल आना दो ने भी मुँह आशीर्वाद दूँ कि वे स्तरों शिक्षा रे क्षेत्र में और साहित्य रे क्षेत्र में भी अपनों रुझान रखे और भी आगे बढ़ता रहे आप सब समय निकालने टे पधारिया और भवदत्त जी मेहता रे लिए यूज कहूँगा कि बणा ने भी 2009 में कन्यालाल धींग राजस्थानी पुरस्कार मिलियो हो खूब बनारो प्रेम प्यार रहते हो बनारी स्मृति ने भी आज आप शुरू की दी है बहुत अच्छी बात है आप सब पधारिया खूब मन खुशी भी माणी तरफ हूँ कई भूल चुकी हुई आत्रो समय निकालनो अत्रो पधारनो बहुत अच्छी लाग रही है परिषद थोड़ा समय वेग्यो है मु क्योंकि अपना अतिथि महोदय ने सुनना है जय जिनेन्द्र जय भारत घणो घणो आभार डॉक्टर दिलीप सिंह साहब और मैं बहुत आदर और सम्मान हूँ आमंत्रित करूँ माने भवदत्त मेहता साहब रे सुपुत्र अनिल जी मेहता साहब ने कि भी आई ने दो बात अपनी कही कहवे जरूर आप भवदत्त मेहता स्मृति पुरस्कार रा संयोजक है अनिल जी आदरणीय मंच पधारे हुए साहित्यकारजनों सबको सादर प्रणाम ये किरण बालाजी से जब एक बार वार्तालाप हुई तो इन्होंने हमें कहा कि क्यों ना बौद्ध जी मेहता साहब के स्मृति में कोई पुरस्कार शुरू किया जाए ये बात मेरे अंतर्मन में काफ़ी समय से चल रही थी पर समय के अभाव के कारण ये कर नहीं पाया और ये जो इन्होंने जो बात करी किरण जी ने और ये जो शुरुआत की है इसके लिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इनके कारण से ये हुआ है और आप सभी पधारे हुए साहित्यकार और स्वजन और अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ धन्यवाद धन्यवाद अनिल जी और मैं घना मान और सम्मान आमंत्रित करूँ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर रा सचिव साहब डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी साहब ये पधारे अपनी बात के आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं करलन सारंग देख साहब मुख्य अतिथि देव कोठारी जी और युग धारा की अध्यक्ष किरण बालाजी धींग साहब और मेहता साहब आप सभी का मैं राजस्थान साहित्य अकादमी में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ राजस्थान साहित्य अकादमी का आज ये सौभाग्य है कि आप जैसी धरोहर आप जैसी विभूतियाँ इस प्रांगण में पधारी
और राजस्थान साहित्य अकादमी को गौरवान्वित किया। यह हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आपकी जो धरोहर है वो अमिट है, इसको हम कभी मिटा नहीं सकते। साहित्य जगत में साहित्य का जो योगदान है, साहित्य के प्रति आपकी जो भावना है, वो एक अमूल्य धरोहर है और वो धरोहर सदैव राजस्थान साहित्य अकादमी में संयुक्ति रहेगी। आज जो ये कार्यक्रम युगधारा ने जो किया है, इसके लिए भी मैं बहुत बड़ा आपका आभारी हूँ कि आपने इस अकादमी की शोभा बढ़ाई। और धिंग साहब को भी, मेहता साहब को भी, इन सभी को मैं राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ में आपको मैं यह कहना चाहता हूँ कि साहित्य के तीन पार्ट, साहित्य, साहित्य सृजनकर्ता और साहित्य सेवा, तो ये तीनों जो कार्य है राजस्थान साहित्य अकादमी तो कर ही रही है अपने दायित्वों के साथ साथ, लेकिन युगधारा और अन्य जो साहित्यिक संस्थाएं हैं वो भी कर रही है, वो भी एक अपने आप में साहित्य के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी हम सभी युगधारा के साथ साथ सभी जो संस्थाएं हैं उसके भी बड़े आभारी हैं। और जो आपने साहित्य को प्रोत्साहित किया और जो आज आपने यह मान सम्मान बढ़ाया है, वो बहुत ही एक ऐतिहासिक पहल है। आपका पारिवारिक जो योगदान है, आपके परिवार और आप सभी को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। आभार डॉक्टर सोलंकी साहब। अब मैं गणा आदर और जोग आदर जोग डॉक्टर कोठारी साहब ने आमंत्रित करूं कि आप पधारें और आप आशीर्वाद माने प्रदान करें। आप बड़ी खुशी की बात है, मैं आप आभार व्यक्त करा कि आप सारस्वत सानिध्य वास्ते आप अपनी सहमति दी दी पधारिया और ये कार्यक्रम की शोभा बढ़े। कोठारी साहब, मैं सब पहले तो आप सब लोगों माफ़ी चाहूँ, मैं थोड़ा सा लेट आयो, रास्ता में ट्रैफिक बहुत हो। दूसरी बात यह है कि मैं मेवाड़ी में बात करूँगा, राजस्थान में बात करूँगा, सब ने हिंदी में बात की थी, मैं मेवाड़ी में बोलने की कोशिश करूँगा। आज रोज कार्यक्रम भाई दिलीप दिंग जनित्रों हर साल कार्यक्रम करे, वनिस्त्रों अड़ी साल 23 और 24 दो वर्षों कार्यक्रम एक हाथे करने, साहित्यकार ने लाभान्वित किया, नया नया साहित्यकार ढूंढने लावे आप। और सब बड़ी विशेषता यह है आप मेवाड़ ने साहित्यकार नहीं पुरस्कार देवे, जो आप बड़ो मोटो काम है। आज भी जना साहित्यकार ने पुरस्कार मिलिया, वी सब उदयपुर आसपास रहने वाले ही से वागड़ा रहने वाला है, तो मैं आपने बधाई दूँ कि आप जो पुण्य रो काम कर रहा हो, साहित्यकार ने आगे लाई ने पुरस्कृत करवा रहो, अंडे वास्ते आप अभिनंदन, आपने बधाई। आप दिलीप जी सिंह खुद बड़ा साहित्यकार है, आपने जितना पुरस्कार मिला है अटे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जितना पुरस्कार दूसरे ने मिला है। आप पुरस्कार हमें शतक पार करवा की कोशिश वाली है, अतरा पुरस्कार आपने मिला है और देश रो ऐसे कोई कोनो नहीं है जितने आपने पुरस्कार नहीं मिला है। दिल्ली हो चाहे कलकत्ता हो चाहे चेन्नई हो चाहे उदयपुर हो चाहे बम्बई हो चाहे बेंगलोर हो अहमदाबाद हो, आपने सब जगह पुरस्कार मिला है और आपकी कलम लगातार चलती रहे। मैंने आश्चर्य है कि आप अतरो लिखे किस तर, आप चाहे जोधपुर हो, जलते दीप हो या चेन्नई पत्रिका हो, राजस्थान पत्रिका और वटारा दूसरा हिंदी दैनिक है वणा में भी हो, सब में आपरा आर्टिकल लगातार छपता रहे और नया नया विषय ढूंढने लगे। आपने किताबा छपी है, ढेर सारी किताबा छपी है और छपारी उम्मीद में है। अणी तरह काम आप कलम चलावे और लिखे और अपने हाँ में लावे, अन्य वास्ते मैं आप अभिनंदन करूँ। आपने सही बात यह है, आप जनित्र पुरस्कार
देवारी परंपरा लंबा समय शुरू की थी है और मारा सौभाग्य है कि जदि आप परंपरा शुरू की थी है वो आप मैंने याद करें और मो आवारी कोशिश करूं और अंडे वास्ते मो आपने दो बात की तरफ एक तो आप पुरस्कार देवारी परंपरा ना की शुरू की थी है और दूसरा आप साहित्यिक रूप आना द्वारा मैं अभिनंदन करूँ और मैं कोशिश करूँ कि आप वास्तव में आप भी पुरस्कृत द्वारा काबिल है आप जनी तरह काम करें वहीं साहब आपने खुद ने पुरस्कार मिलना चाहे कठू मिलेगा कोशिश करेंगा आपने आपने भी बड़ो 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 पुरस्कार मिले और जो कार्यक्रम युग धारा की तरफ आयोजित है साहित्य अकादमी की तरफ आयोजित है युग धारा भाई ज्योति पुंजी संस्थापक है लेकिन वे कटी पिक्चर में नहीं आवे जो कार्यक्रम वे लगातार कार्यक्रम वही रहो है और उदयपुर में युग धारा एक ऐसी संस्था है जहाँ नियमित चल रही है छोटी मोटी और भी संस्थाएं है लेकिन वो अतरी एक्टिव नहीं है जितनी एक्टिव युग धारा है हर महीने दो गोष्ठियाँ तो निरंतर वही जाप रही एक हिंदी रही एक राजस्थानी जाजम रही वहाँ मैंने लोग साहित्यकार उदयपुरा साहित्यकार और बाला साहित्यकार लगातार भाग ले और अखबार में खबर भी छपे आप भी भरी होगा राजस्थान पत्रिका में भास्कर में कणित युग धारा साहित्यकार ने आगे लवार वास्ते लगातार कोशिश कर रही है और कोशिश करे अंडे वास्ते वो युग धारा रो भी और भाई ज्योति पूंज रो और युग धारा की पूरी टीम जो एक सुखद बात है यह एक ऐसी संस्था है जनो हर साल लगातार नियमित चुनाव है और नया नया अध्यक्ष चुनाव है और भी अपनी क्षमता और प्रतिभा हिसाब वो कार्यक्रम ने आयोजित करे अब किरण जी बैठा लगा है भाई बहन किरण जी लगातार एक्टिव है और लगातार अणितरों आगे लावा की कोशिश करे साहित्यकार ने तो मैं आप लोग भी अभिनंदन करूँ ज्योति पुंजरो भी अभिनंदन करूँ और एक बात मैं और कहना चाहूँ समय की सीमा कम है लेकिन साहित्यकार ने जन पुरस्कार मिलया वहाँ सब पुरस्कार मैं अभिनंदन करूँ आप तरफ बधाई देना चाहूँ पर एक निवेदन मारो मारे मन की बात आपने कहना चाहूँ आप गीत खूब लिखे सब साहित्यकार कविता खूब लिखे कुछ साहित्यकार है जो कहानी भी लिखे लेकिन ये फुटकर रचना वाले माध्यम एक भी साहित्यकार ऐसा नहीं है मेवाड़ में जो पूरा भारत स्तर पर सम्मानित जो है सम्मानित जो है अनितरी स्थिति नहीं है पूरा भारत में उन्होंने नाम है ऐसी स्थिति एक भी नहीं है राजस्थान में भी इक्का दुक्का साहित्यकार है जनारो राजस्थान में नाम है तो अंतर फुटकर साहित्य लिखा और आनंद एक अलग है लेकिन मुँह चाहूँ कि आप कहीं विषय ने आधार होने ने मेवाड़ रो इतिहास बड़ो समृद्ध इतिहास है ऐतिहासिक घटनाओं ने आधार होने ने खंडकाव्य लिखे महाकाव्य लिखे उपन्यास लिखे कहानियाँ लिखे और किताबें रूप में छपे वो जो साहित्य होगा वो जीवंत साहित्य होगा वही साहित्य चर्चा होगा आप जी फुटकर कविता वगैरह लिखो गीत लिखो अन्य चर्चा कतरी हुए आप खुद ही जानो मंच माते आपकी तारीफ होगा लेकिन मंच के अलावा लोगा महीने साहित्यकार रूप में आप एक स्थान होना चाहे वो स्थान नहीं बन पावे अंडे वास्ते मारो निवेदन है हमारे मन की बात हूँ आपने अर्ज कर रही हूँ वही सके आपने अच्छी नहीं लगे लेकिन आप लोग चाहे पौराणिक साहित्य हो कोई घटनाक्रम हो चाहे मेवाड़ रो इतिहास रो घटनाक्रम हो चाहे और कोई घटनाक्रम हो या सामाजिक घटनाक्रम हो वर्णन लेकिन आप एक प्रबंध काव्य लिखे खंड काव्य लिखे महाकाव्य लिखे उपन्यास लिखे और अणितरु कहानियाँ लिखे नाटक लिखे एकांकी लिखे और अणितरु लिखने आपकी प्रतिभा या क्षमता जो है कविता में अब खर्च हो रही क्षमता अठित में खर्च होगा तो राजस्थान रो और मेवाड़ और उदयपुर और आप सब रो नाम रहेगा और माँ वाली चीज़ों लाभान्वित होगा तो मैं अंडे वास्ते ज़्यादा कड़वी बात मैं बोल गया हूँ लेकिन माफ़ी चाहूँ आप सब हूँ लेकिन मारे मंदिरी बात में पहले ही कह दी दो मारे मंदिरी बात में अर्ज कर रही हूँ तो अन्य मंदिरी बात ने आप कड़ी रूप में लोगा जो तो आप इच्छा रूप रहे लेकिन मारो निवेदन आप स्वीकार करोगा अच्छी हमारी आप सब लोगों को अर्ज है भाई दादी जी बैठा था है अनंत पुरस्कार पहले मिल चुके बड़ो पुरस्कार अब मिलो है दूसरों में पुरस्कार लगातार मिल रहा है और मिलता रहेगा मुँह यदि अकादमी रो काम जिम्मेदारी मारे कने ही मैं कोशिश की थी कि मेवाड़ रे साहित्यकार ज्यादा से ज़्यादा किताब हमें आवे छपे बौद्ध जी मेहता की किताब मैंने क्यों मैं आपकी किताब अकादमी छापनी चाहे थोड़ा
15-20 दिन में किताब तैयार करती थी, और सबकी कहानी की किताब ही तो एनी टाइम की किताब छपी। ये सब किताब बड़ी श्रेष्ठ किताब ही वे अकादमी समिति समिति उन्होंने सिलेक्शन कि दो और छपी। तो मैं चाहूँ आप खूब लिखो और लिखने साहित्य समृद्ध करो, मेवाड़ो भी नाम करो, और मेवाड़ो नाम कर करने आप अपनी प्रतिभा भी परचय आम जनता बीच में उपस्थित करो। अन्य बात रो आपने निवेदन करूँ, और आप सब ने जो पुरस्कार मिलिया वे वास्ते मैं आप सब रो आभार, आप सब रो अभिनंदन, आप सब ने बधाई दूँ, और यो अनितर अभिनंदन आप रहा रहता रहे, अनितर पुरस्कार आपने मिलता रहे, और लगातार मैं आपने बधाई देता रहा। अनि भावना रहते मैं मारी वाणी ने अटी विराम दूँ। धन्यवाद। आप रो घणो घणो आभार। आप रो सुझाव सर सर माथा माथे निश्चित रूप हूँ, अणि पे भी आगे काम वेगा और वेते ही रहा और भी वेगा। अभी मैं घणा आदर और सम्मान ला रहे माने आ सारस्वत सानिध्य प्रदान करवा वाला प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह सारंगदेवा साहब ने अनुरोध करूँ कि आप पधारे और आशीर्वचन में अपनी बात कहें। आदर योग प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह जी सारंगदेवा साहब, आप उदयपुर में कोई मतलब सब जना जाने कि आप रे आपरे कटे कटे जो है आप रो आशीर्वाद प्रदान में पधारे सब। युगधारा साहित्य सांस्कृतिक और वैचारिक मंच उदयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर एवं युगधारा के संयुक्त तत्वाधान में आज एक बहुत ही अद्भुत समारोह यहाँ आयोजित किया गया। वास्तव में एक बहुत ही ऐसा संगम रहा कि जब हम गीत और काव्य गोष्ठी की बात करते हैं तो क्योंकि कविता हमारा जीवन है, सौंदर्य की अनुभूति है, भावानुभूति है, और मानव की जो उच्चतम अनुभूति होती है उसकी अभिव्यक्ति हमने आज सभी यहाँ देखी। और हम जानते हैं कि कविता आत्मा की एक औषधि भी है, और कविता अपने समय के एक आईना भी है। तो सभी वक्ताओं ने, सभी कवियों ने, कवियत्रियों ने, लेखकों ने, चिंतकों ने अपनी बात को बहुत ही सारगर्भित तरीके से कही। मैं इस अवसर पर आज हमारे इस प्रोग्राम के प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर देव कोठारी साहब विराजमान हैं। मुझे ये कहने बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है कि कोठारी साहब हमारे विद्यापीठ के एक पिलर के रूप में, नींव के पत्थर के रूप में, जो आज हम विद्यापीठ को देख रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं, हम सभी तो कंगूरे हैं, लेकिन जो नींव के पत्थर हैं उसमें कोठारी साहब और ये इनकी एक अलग पीढ़ी रही हैं। और ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त करना हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरित है। आपने अपनी बात में बहुत सी बात कही कि बहुत सी बार हमें एक शॉर्टकट वाहवाही मिलती है, लेकिन कुछ ठोस काम भी करने चाहिए। साहित्य में तो समझता नहीं, वो आप और आपस में समझ गए होंगे आप लोग, तो क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सही बात कहते भी हैं, कहनी भी चाहिए। हमारे बीच आज के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डॉक्टर बसंत सिंह जी सोलंकी साहब जो सचिव हैं और आपके इस सानिध्य में प्रोग्राम हो रहा है, साथ ही अनिल जी मेहता साहब जो पूर्व अध्यक्ष युगधारा हैं वो विराजमान हैं, श्रीमती किरण बाला किरण जो मैं आपका बहुत ही व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे एक अच्छे प्रोग्राम में आने का अवसर दिया। देखिए आपकी बाकी जो प्रोग्राम हमें हमेशा दिन में 3-4-5 प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो कहते हैं कि मस्तिष्क जो बहुत ही कसरत करने की वजह चीज़ें बाहर आती है, वो आप यहाँ जो विराजमान हैं उनसे आती हैं। एक बहुत बड़ी परिष्कृत चीज़ जो आती हैं वो आप सभी से आती हैं, और वो हर समय के तत्काल खंड से संबंधित होती हैं,
और विशेष रूप से जब हम कभी किसी चीज़ में भटकते हैं तो हमें एक बहुत प्रेरणा देती है, और वो प्रेरणा हमारे युवाओं को मिलती है, हम उम्र को मिलती हैं और सभी को मिलती हैं। यहाँ विराजमान दिलीप धिंग साहब, धिंग साहब जब मुझे आने के बाद पता पड़ा कि आप बम्बोरा से ताल्लुक़ रखते हैं, बम्बोरा के निवासी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे और मेरा जो गांव है उसकी एवरेज डिस्टेंस हार्डली 4-5 किलोमीटर है। मैं कछेर गांव का हूं और कछेर और बम्बोरा के बहुत ही संबंध हैं। आपके पुरखे हमारे यहाँ व्यापार करने बहुत आए हुए हैं, हम बचपन में याद करते थे, तो एक बहुत ही सुखद सहानुभूति हुई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कोई डिक्लेरेशन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो साहित्यिक गतिविधियाँ और जो जिस तरह से आपका जो सामाजिक सरोकार है, तो हमारे मनीष पंडित नागर साहब अनेक अवार्ड देते थे, उनका बड़ा एक शौक नहीं, उनकी रुचि थी कि किस तरह से हम लोगों को मोटिवेट कर आगे बढ़ाएं। तो हमारा एक साहित्य चूड़ामणि जो पुरस्कार है, हालांकि इसका चेयरमैन तो मैं हूं, लेकिन पूरी जूरी बैठती है, तो मैं जूरी से ये निवेदन करूंगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन करूंगा कि ये अवार्ड आपको मिला जाए, क्योंकि आपको शतक क्रॉस कर गए या शतक में एकाध बाकी हो तो उसमें एक थोड़ी सी ये आहुति हमारी तरफ से मिले। यहाँ विराजमान डॉक्टर सरफत खान, ये बहुत ही बड़ी एक उर्दू साहित्य की बहुत बड़ी एक नाम है। हमारे यहाँ तांतेड़ साहब विराजमान हैं, मधुकर साहब हैं, दिलीप सिंह जी साहब हैं, ज्योति पुंज, वास्तव में आप ऐसी पुंज ज्योति हैं जो दूर से आप प्रकाशित करते हैं, सामने नहीं पधारते हैं लेकिन वो आभा हमें मिल जाती हैं। पोखरण साहब विराजमान हैं, नरोत्तम व्यास साहब हैं, सिमी सिंह जी ये बहुत ही अच्छा जो महासचिव भी हैं और ये बहुत अच्छी कवियत्री हैं, और मुझे अक्सर इनके जितने भी कई जो पुस्तकें रिलीज़ हुई उसमें मुझे बड़ा ये अवसर मिला कि आपकी किताबों का रिलीज़ करने में मुझे बहुत ही कहीं के हिस्सा रहा मैं, और साथ ही मैं बहुत से को आपका नाम नहीं ले पा रहा, मुझे माफ़ कराएं। और इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से जो संचालन किया माननीय अशोक जैन साहब, अद्भुत आपका राजस्थानी पे और सभी पूरी भाषा पे कंट्रोल के साथ किया। मैं इस अवसर पर हमारे जो पुरस्कृत जो लोग हैं उनका भी मैं थोड़ा सा व्याख्या करना चाहूँगा, उनकी मैं थोड़ी सी उनके बारे में बताना चाहूँगा। कन्हैयालाल धिंग राजस्थान पुरस्कार जो 2023 का मिला वो हमारे दादी साहब को मिला। आपने ठीक बताया कि ये सम्मान नहीं प्रोत्साहन है, और सम्मान तो कहने को होते हैं, प्रोत्साहित होता हर आदमी प्रोत्साहित होता है, और उसमें कोई कहता है साहब कि सम्मान नहीं चाहिए, सभी झूठी बात है। जब हम ईश्वर से आराधना करते हैं ईश्वर ही प्रसन्न होकर हमें बहुत बड़ा वो देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हर व्यक्ति सम्मान चाहता है और सम्मान अच्छा लगता है। अच्छा ये लगता है कि हमें कुछ आगे करने के लिए, हमें ये लगता है कि हम जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं हमारा कोई रिकग्नाइज करने वाला है, और ऐसे ये बहुत ही मोटिवेशन से दुनिया आगे बढ़ती है। आपने बहुत ही आपकी बहुत ही अद्भुत उपलब्धियाँ हैं, आपकी बहुत बड़ी कृतियाँ हैं, बहुत पुरस्कार आपको मिले। साथ ही दूसरा जो श्री कन्हैयालाल धिंग राजस्थानी पुरस्कार 2024 का, एक बहुत ही अद्भुत संयोग है कि जिनकी मैं बहुत ही श्रद्धा रखता हूँ, तो आज मैं ये कहूँगा हमारे काकी साहब का भी दर्शन हो गए। और देखिए आपकी दोनों का, जैसा कि विजय लक्ष्मी देथा और श्री श्रेणीदान, जो आपकी श्रेणी बनी उसके पीछे काकी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। नाम पहले से था लेकिन ये जो भगवान ने जो भी नाम रखा है उसके प्रति बहुत है। आपने जिस तरह से राजस्थानी भाषा साहित्य का एक बहुत बड़ा, इतने बड़े दोनों, मैंने पहले सोचा कि राजस्थानी भाषा साहित्य के हस्ताक्षर आपके लिए कहूँगा, लेकिन आपके सुनने के बाद लगा कि आप दोनों बड़े संयुक्त हस्ताक्षर हैं, बहुत ही अद्भुत। और मुझे लगता है कि आपकी घर में भी बहुत ताजगी भरा पूरा वातावरण रहता होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब दोनों एक एक टेस्ट के मिल जाएं तो मेरे ख्याल से इससे अद्भुत कोई बात हो नहीं सकती है। तो ईश्वर के प्रति बहुत बड़ी एक कृपा है आप दोनों के प्रति कि आप दोनों साथ में बहुत बड़ी साहित्य सेवा कर रहे हैं। आपने ठीक बताया कि
जो सेटिस्फेक्शन और सेक्रीफाइस, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन में। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उसके पहले सेटिस्फाइड होने के लिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। आज श्री अलंकार आचार्य जी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही व्यवसाय के साथ साहित्य को सेवा की है, एक अद्भुत बात है। डॉक्टर रेखा खराड़ी जी के बारे में मैं बहुत ही श्रद्धा रखता हूँ, श्रद्धा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कि आप इतने युवा हैं और जिस तरह साहित्य की रचना कर रही हूँ, जिस तरह से आपका एक आत्मविश्वास है, देखिए आपकी, आप सामाजिक चिंतन रखती हैं। मीरा साहित्य भी आपने बहुत बड़ा काम किया है, मीरा में स्त्री का जो एक चेतना जागृत वाली बात है वो आप करती हैं, और साथ ही आपने एक आदिवासी शब्द यूज़ किया। आदिवासी तो हमारी धरोहर हैं, हमारी विरासत हैं, और उस विरासत को आप संभाल के आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सभी का एक कर्तव्य होता है, एक दायित्व होता है कि हम आप सभी को साथ लेके चलें, और यही हमारी एक परंपरा है, यही हमारा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। मुझे लगता है कि कोठारी साहब थोड़ी चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारे दो युवा यहाँ साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आपकी जो हैं इच्छा है, जो आप जो कल्पना कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, तो बड़े मजबूत हैं और अपनी पूरी एक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच हमारे श्रीयुत नंदू राजस्थानी बड़े जोश के साथ आपने, अब देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, मैं भी राजस्थानी हूँ, मैं मेवाड़ का हूँ, लेकिन मेवाड़ी प्रॉपर बोल ही नहीं सकते हैं, तो हमारी मेवाड़ में कितनी मिठास है, मेवाड़ी लो आप या हमारे ढूंढाड़ी लो, हमारे राजस्थान की कोई सी भाषा लो आप, हर राजस्थानी भाषा है, लेकिन बाकी बोलियाँ कह सकते हैं जो भी कहें, लेकिन सब में इतनी मिठास है कि उसका हमें उपयोग करना चाहिए। आप देखिए कि जो गुजराती गुजरात जाते हैं तो गुजराती पहले बोलते हैं, और जो उनको लगता है कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है गुजराती आ गया तो वो सब छोड़ के गुजराती में बात करेंगे। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अशोक करके, वो मेरे कंप्यूटर साइंस के गाइड भी रहे थे पाटन से, तो उनका USA में हो गया, तो उन्होंने कहा मेरे दो बच्चे उनके जुड़ा बच्चे होते, उन्होंने कहा साहब मैं 5 वर्ष बाद वहीं सेटल होऊंगा, मैं ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी जाना चाहिए आपको, ज़्यादा वो मिलेंगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये बच्चियाँ अभी क्या है, छोटी हैं, तो हमारी गुजराती सीख लेगी, तो देखिए भाषा के प्रति इतना मोह होना चाहिए। आज हम राजस्थान के लड़ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सी, मैं उसको यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिससे भी हम शायद पीछे हट रहे हैं, तो हमें इन सभी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं आप दोनों को, श्री नंदू राजस्थानी जी को और डॉक्टर रेखा खराड़ी जी का बहुत ही, मैं क्योंकि युवा हैं तो आपका हम जितनी तारीफ करें तो आप साहित्य से आगे बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले मुझे समय ज़्यादा हो गया, लेकिन 2-3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूँगा। देखिए समय की धारा, आपका जो युग धारा का जो गीत था, मतलब संस्था गीत कितना अद्भुत था उसमें, कि समय की धारा भावों की धारा मधुरता लाए खुशियाँ लाए, साहित्य की धारा अनवरत चलती रहे, और सबसे बड़ी बात उसमें मतलब एक घाघरे में सागर की बात कही है कि धर्मों की वाणी रस धारा। तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ही सामने लगती है, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ 2 शब्द बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई अर्थ है। आप देखिए हमारे धिंग साहब के सुपुत्र ने प्रणत में बहुत अच्छी कितनी कॉन्फिडेंस के साथ कविता पढ़ी, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग एक सामंजस्य है, आपने हमारे युवाओं के लिए मोमल जी और उनके बस के लिए उनके लिए भी आपने पुरस्कार रखे हैं, तो निश्चित रूप से ये पुरस्कार छोटी सी बात होती है, कब क्या टर्निंग पॉइंट हो जाता है हमें पता नहीं रहता है, हमें चीज़ क्यों क्लिक कर जाती है कि नहीं यार इसका मतलब मेरी बहुत ही अपार शक्ति है और लोग मुझे जान रहे हैं, और वहीं से एक ऐसी शक्ति आती है कि उससे हम आगे बढ़ते हैं। साहित्य के बारे में मैं क्या बोलूँ, आप सभी साहित्यकार हैं, मेरे दोनों विषय ऐसे रहे हैं कि एक कंप्यूटर हैं जो बहुत ही उदासीन है, मतलब यूँ इंटरेस्टिंग है लेकिन वो अलग तरह का है, दूसरा मैं फाइनेंस में भी रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका कोई साहित्य से दूर दूर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो साहित्य की बात करें तो उसमें सत्यम शिवम और सुंदरम तीनों बातें हैं, वो तीनों बातें इसलिए हैं कि ये शाश्वत मूल्य हैं जो हमारी संस्कृति के बहुत ही निकट जुड़े हुए हैं। आज आप हमारे देश में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि साहित्यकार किस तरह से संस्कृति को बचाए रखे हैं और किस तरह से संस्कृति में संस्कार डाल के एक सभ्यता बनती जा रही है, क्योंकि
देखिए आप, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि संस्कृति ही है जो हमें दर्शन और धर्म के माध्यम से सत्य की ओर ले जाती है, सत्य के निकट ले जाती हैं। अब देखिए हमारे जीवन में कलाओं के माध्यम से हम सौंदर्य को प्राप्त करते हैं, और जब सौंदर्य आता है जो आप सत्यम है तो शिवम है, सत्यम ये जो चीज़ हमें बहुत ही अच्छी लगे और उसमें सौंदर्य हो, उसमें हमें बहुत ही अंदर की जो हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो, वो शिवम पर आ जाती है। और शिवम क्या है, सब उसके बाद कोई बाकी नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात कहते हैं, या सभ्यता और संस्कृत की बात करते हैं, क्योंकि सभ्यता तो एक जीने का तरीका है, प्रकृति को हम कैसे यूज़ करें वो हैं, लेकिन प्रकृति को केवल उसी आधार पर यूज़ करेंगे मज़ा नहीं आएगा जब तक कि उस पर संस्कृति और संस्कार नहीं हो गए। और संस्कृति और संस्कार कैसे आएंगे, हमारे साहित्य रचना से आएगी। आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो कुछ लिखते हैं, और लिखना ये दो लाइन लिखने में बहुत ही आपको सोचना पड़ता है, उसको किस तरह से आपकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो कितनी हाई होती है, सामने व्यक्ति से कोई उसको तुलना नहीं कर सकता है। तो ये हमारे साहित्य की जो रचना कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, हम सभी को, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या कोई संगठन हो, सभी को उनको बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। और विशेष रूप से विश्वविद्यालय में जो हम रिसर्च की बात करते हैं, तो वो सिर्फ साहित्य में क्या रिसर्च होगा, लेकिन साहित्य में सबसे जो ज़्यादा रिसर्च होता है वो साहित्य में होता है। और साहित्य की व्याख्या मैं कैसे करूँगा, मेरा एक अलग दृष्टिकोण होगा, आप कैसे करेंगे आपका अलग होगा, आप कैसे करेंगे अलग होगा, और सभी चीज़ हमें अच्छी लगेगी, सभी चीज़ सही लगेगी। तो मैं इन्हीं भावना के साथ एक बार पुनः, समय बहुत हो गया है, लेकिन हम कोई भी, मुझे लगता सभी के चेहरे देख रहा था, कोई बोर नहीं हुआ, किसी को कुछ ऐसा नहीं लगा, क्योंकि चीज़ें ऐसी पूरी रोटेट ऐसी करी। और सबसे बड़ी बात है हम किसका सम्मान करें तो जल्दी में नहीं करें, आपने एक एक रुको, बाकी हम बहुत से विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हम घड़ी देख के फटाफट कर लेते हैं। तो मुझे कुछ लर्निंग प्रोसेस भी यहाँ मिला आज कि आपको किसी को सम्मान करना है, इस पर समय दें, एक एक व्यक्ति से आप सभी को इसमें सम्मिलित किया, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी क्या होता है, हम स्टेज पे तीन चार फटाफट माला वाला डाल के सीख दे देते, वैसा नहीं था, और फिर सबको सुना और सबने बहुत अच्छा सुना। मैं इन्हीं भावना के साथ मैं आशा करता हूँ कि कभी युगधारा और हमारे अकादमी अगर चाहें सोलंकी साहब तो, और ढींग साहब और सभी हमारे किरण जी, तो हम हमारे विश्वविद्यालय के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे साझा प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे मैं जिस दो विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, वहाँ रास्ता विद्यापीठ हमारे करीब करीब 90 साल का है, एक दूसरे विश्वविद्यालय भोपाल नॉबल्स भी है, वो 103 साल हो रहे हैं। तो कहीं भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं, और दोनों विश्वविद्यालयों की, हमारे सभी जितने भी पुराने विश्वविद्यालय या विद्या भवन करें या महिला विद्यालय, सभी की यही है कि हम हमारे जो हमारी संस्कृति है, हमारे मेवाड़ की जो कुछ चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हमारे पास शब्द नहीं है केवारा कि मैं साहित्यकारी बात करें, पर आज कर्नल साहब अणि रूप में अत्री अत्री वाता कह दीदी है। जो माँ विभू था आप पधारिया और अत्री बढ़िया बात आप की दी, और अन्य लारे लारे तीन एक तरह अनाउंसमेंट ही मानो आप के दिलीप जी री बात हुई कि साहित्य में राजस्थान साहित्य अकादमी और युगधारे लारे वटे विद्यापीठ में और बीएन संस्थान में कार्यक्रम री बात हुई। तो निश्चित रूप हूँ माँ, तो किरण जी और आगे जो है आप मलेगा भी, और एक बहुत शानदार कार्यक्रम, क्योंकि विद्यापीठ और बीएन दो ही ऐसा संस्थान है अणि हिंदुस्तान में अपना नाम रखे, और उदयपुरी तो रीढ़ है, जटू कतरा जो है अभी आप देखो भरने निकले, और घनी मोटी मोटी जगह जगह पे भी है पोस्ट है। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता था, अभी मैं आज री कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय युगधारा अध्यक्ष श्री किरण बाला किरण जी ने अनुरोध करूँ कि पधारे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन वास्ते। माँ वीणा पाणी ने शशत नमन करूं, मंच पे विराजा परम श्रद्धेय प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह सारंग देवोत्सा कुलपति महोदय, आदर जोग डॉक्टर देव कोठारी सा ज
जणारो वरद हस्त अपने माथे सदैव रेतो आयो। वतरई आदर जोग डॉक्टर दिलीप धींगसा और समान आदर जोग डॉक्टर वसंत सिंह सोलंकी सा और वतरई मान सम्मान रे साथ है श्री अनिल मेहता सा। सदन में विराजिया समस्त अति सम्मानित सुधीजन और युगधारारा संस्थापक महोदय डॉक्टर ज्योति पुंजी सारो आशीर्वाद लेन मारे बात क्यों। वैसे यो सदन अत्रो समृद्ध वही यो है आदर जो कुलपति महोदय ने सुनने देव कोठारी साने सुनने धींग साने सुनने सचिव साने अनिल जी साने सुनने अड़ारे बाद में कई केणो मतलब मने तो लगे कई बचो ही नहीं है। और वीसी साहब तो आपरी समग्र दृष्टि और समृद्ध वाक शक्ति रे माध्यम हर एक बात पे अपनो ध्यान अणी तरीके ले गया कि अभी कई बचो भी नहीं है वाकई में केवारो। पर चूंकि तो भी बात तो कहनी है आत्म सुगंधी जो वे वह सबु तेज वे वे पर वह आत्म सुगंधी कणी भी मनुष्य ने घनी देर महसूस वे और यदि वह महसूस वही जा तो मनुष्य अपनी आत्मो संवाद करवा लग जा और यदि आत्मो संवाद वे तो वंडो प्रतिफल जो वे वो सृजन वे वे और सृजन यदि वे तो एक उत्कंठा प्रेरित वे वे वह जो प्रेरणा वे वह अनुभूतियां ने व्यक्त करे और वणी समय एक आलोक पुंज जागृत वे वे जो आत्मा ने निरावृत करे और स्व वण में समाहित वही ने सर्वस्व वही जावे और यदि असो वे तो एक सृजनकार रो मन कलम उठावे और सृजन करे और प्रत्येक सृजनकार यदि वण सृजन ने सामने रखे सामने दुनिया रे सामने रखे तो जद वनरो भी ने प्रतिफल मिले वो कणी भी रूप में मिले प्रोत्साहन रूप में मिले सम्मान रूप में मिले या दो शब्द शाबाशी रा रूप में मिले तो वो वनरे वास्ते सब बड़ो सम्मान और पुरस्कार वे वे। आज राजस्थान साहित्य अकादमी और युगधारा रा भेलप में जो कार्यक्रम व्यू है जो धिंग पुरस्कार सम्मान समारोह और अणी सालू नयो सम्मान जो शुरू हुयो है आदर जोग अनिल मेहता जी और रेणु मेहता जी रे प्रयासों भवदत्त मेहता स्मृति युगधारा पुरस्कार पहलो पुरस्कार गयो नंदू राजस्थानी जी ने। मन ने ये संतोष है कि अणी तरीका रो सम्मान और अणी तरीका रो पुरस्कार असा हाथा में गयो असा सृजन करवा वाला रे हाथा में गयो जो अणी धरोहर ने वणी राखेगा और अणी विरासत ने आगे ले जाएगा। सृजन खाली अपने तक राखवारी चीज नहीं है हस्तांतरण री चीज है हस्तांतरण रो भाव है जो भाव एक मनुष्य मन में पैदा हुए पर वो यदि अभिव्यक्त हुए तो वणी जुड़िया थका समस्त मनुष्य ने विमें समाहित कर लेवे। मुघणा मनु हृदय तल रहे अंतस्त गहराइयाऊँ आज अणी मंचू सबरो नाम मुनी लूंगा क्योंकि मारी दृष्टता वेगा मारू पूर्व मारा वरिष्ठ जन सबरो नाम लई चुक्या है तो मु आप सब ने हिया तणो घनी घनी बधाई और सम्मान घनी घनी बधाई और शुभकामना देऊ। असा कतरई पुरस्कार और सम्मान आपरी झोली में आवे और वणियो पहली आपरो सृजन अत्रो अत्रो सृजन वे कि जो मानव मात्र रे प्रति मानव जाति रे प्रति बहुत हितरो काम करे और लाभकारी वे और साहित्य जगत में और अकूत भंडार वदे। साहित्य सूक्ष्म भावारो वेवे पर भी सूक्ष्म भाव दुर्गम्य अगम्य यात्रा करे। आज यात्रा करता थका आज आप राजस्थान साहित्य अकादमी पहुँचा आज आप युगधारा पहुँचा आप सब रो घणे मान मु आभार व्यक्त करूँ अणी सदन में सम्मानित मंच रे अतिरिक्त अत्रा अग्रज विराजित है कि मारी वाणी वणारो नाम लेणो छावे नी लूंगा तो या मारी दृष्टता वेगा। मारा वरिष्ठ जन जणारो सदैव आशीर्वाद रेवे पंडित नरोत्तम व्यास जी डॉक्टर सुरेश सालवी सा
जो कि मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी ना राजस्थानी विभागाध्यक्ष है, शिव रतन जी पधारिया हा, आप अटू पधार गया वापस। और पुष्कर गुप्तेश्वर जी सा सरवत खान मैम हमेशा आप आशीर्वाद मिलते रहो। आशीष सिसोदिया जी मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी का उर्दू विभाग रहा अध्यक्ष। हिम्मत सिंह उज्जवल सा स्वाति शकुन राज राजेश्वरी फाउंडेशन के निदेशक और वड़ारा जो फाउंडर पर्सन है सूर्यप्रकाश सुहालका जी और आदर जोग सुरेंद्र पोखरणा सा। और अतरा कई नाम जो शायद मारी वाणी अबार नहीं ले सक्रिय वणा सब ने मु हृदयों घणो घणो प्रणाम करूं। आप सब रो पधारवारे वास्ते मैं घणो घणो आभार व्यक्त करूं। अधिक बात नहीं कहता थका, मारी बात ने अटेज विराम दूं कि आप सब पधार्या युगधारा परिवार और राजस्थान साहित्य पक्र परिवार की तरफ मैं स्वागत भी करूँ, आभार भी व्यक्त करूँ और निवेदन भी करूँ कि आपरी जो उपस्थिति है अने कार्यक्रम ने सफल बनायो है, आपकी उपस्थिति ने प्रणाम करूं और आपको निवेदन करूं कि आपरे वास्ते एक बार ताली वेवे। बहुत बहुत घणो घणो धन्यवाद मु आदर जोग धींग साहब रो, अनिल जी मेहता साहब रो और राजस्थान साहित्य अकादमी रा सचिव महोदय डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी सारो, चूंकि राजस्थान साहित्य अकादमी सदैव अपने साथे रही है और जदी भी सचिव साहब ने क्यों है कि यो कार्यक्रम करना है आप सहर्ष तैयार भी है और अपने कार्यक्रम में स्वीकार करने आप अंडी अनुमति दीदी अंडे वास्ते आप धन्यवाद। ज्योति पुंज सारो फेर आभार कि आप आशीर्वाद सदैव बने थो करेवे और साथ ही साथ मैं मारी युगधारारी कार्यकारिणी समस्त कार्यकारिणी आदर जोग उपाध्यक्ष महोदय प्रकाशजी तातेड़ सा सदैव आपरो मार्गदर्शन मने मिलतो रहे। निर्मल गर्ग मैडम आपरी उपस्थिति ने प्रणाम और सभी युग्ध महासचिव डॉक्टर सिमी सिंह जी और सभी युगधारा जतरा भी अटे कार्यकारिणी सदस्य विराजित है सबने प्रणाम करता थका आपरो आभार व्यक्त करूँ। घणो घणो धन्यवाद। घणो घणो धन्यवाद, आभार किरण जी अध्यक्ष उद्बोधन वास्ते। अबे मैं समापन की ओर कार्यक्रम ले जाऊँ आपा। मैं धन्यवाद ज्ञापन वास्ते युगधारा उपाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल गर्ग जी ने अनुरोध कर भी पधारें और धन्यवाद ज्ञापित करें डॉक्टर निर्मल गर्ग जी। और एक अनुरोध है कि कार्यक्रम समापन रहे पश्चात जी पुरस्कृत साहित्यकार है और जी विद्यार्थी है वी अटे एक समूह फोटो वास्ते अटे मंच पे पधार जावे। तो एक अपना मोमेंटो पाग और जो है शॉल ला रहे तो एक समूह फोटो ग्रुप फोटो बनवाई जाएगा डॉक्टर निर्मल गर्ग जी। सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। आप सभी को इस सभागार में उपस्थित पाकर के युगधारा परिवार अभिभूत है और कई मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं पुरस्कार प्रदाता और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इसके साथ ही मित्रों, यह हमारी छोटी छोटी आशाएं होती हैं जो कि हमें इस ओर खींच लाती है। आओ आओ छोटी छोटी आशाओं से, आओ छोटी छोटी आशाओं से एक आकाश सजा डालें, आओ छोटी छोटी आशाओं से एक आकाश सजा डालें, आओ छोटे छोटे शब्दों से इतिहास बदल डालें। हमारे छोटे छोटे शब्द ही सारे इतिहास को बदल देते हैं। आओ छोटी छोटी आशाओं से एक आकाश सजा डालें, आओ छोटे छोटे शब्दों से इतिहास बदल डालें। धरती के आंगन में, धरती के आंगन में दृश्य पटल बदल डालें, धरती के आंगन में दृश्य पटल बदल डालें।
खुशियों की सौगातों का, खुशियों की सौगातों का फूल खिला डालें। आओ छोटी छोटी आशाओं से एक आकाश सजा डालें। घर के द्वारे द्वारे, घर के द्वारे द्वारे दीप प्रीत का ढालें। घर के द्वारे द्वारे दीप प्रीत का ढालें। माजी नैया पीपल छैया, माजी नैया पीपल छैया यादों का झूला डालें। आओ छोटी छोटी आशाओं से एक आकाश सजा डालें। तो मित्रों, ये हमारा आकाश है, साहित्य का आकाश है। और आप सभी ने इस युगधारा के इस सम्मान समारोह में उपस्थित होकर के एक नया आकाश बनाया है, जिसे छूने की हम सबकी आकांक्षाएं होती हैं। तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति ने इस समारोह में चार चांद लगा दिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप सभी अपने इस अच्छे मन के साथ में युगधारा और साहित्य अकेडमी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सदैव हमें उपकृत करते रहेंगे। आप सभी में से कई जाने पहचाने चेहरे हैं, मैं उन सभी का और प्रत्येक सभागार में उपस्थित प्रत्येक महानुभाव का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो मेरा अनुरोध है सभी पुरस्कृत साहित्यकार बंधुओं से और विद्यार्थी से पधार जाएं, और आप सभी से अनुरोध है कि बाहर जलपान की एक छोटी सी व्यवस्था है, उसका सभी लोग आनंद लें। जलपान लेकर ही पधारें, दिलीप जी का भी आग्रह है, हमारा भी आग्रह है। हाँ जी, आप तो भी राज्य हैं। हाँ, पुरस्कृत यहाँ पीछे अपनी पगड़ी शॉल, जी हाँ पधारें। वत्सल और मुमल, रेखा जी पधारें आप, नंदू जी, शिंदन साहब पधारें इधर, विजयलक्ष्मी जी, देथा जी पधारें इधर, इधर हाँ यहाँ, हाँ पीछे, हाँ हाँ याद तो चलो। हाँ जी, सब पधार के, अलंकार जी चूंकि चेन्नई में भी पधार नहीं सके। हाँ प्रणत आ जाओ बेटा, जी हाँ घणो घणो आभार, आप हैंग पधारिया, घणो टेम दीदो, घणो हौ लाग्यो, और खास माणा मंचासीन अध्यक्ष मंडल रो घणो घणो आभार, और सभी पुरस्कृत साहित्यकार ने घणो घणो घणी घणी बधाई, घणो घणो मान।
तो भैया हमने देखा कि मिशन है मिल जाती है।